श्री राधे। हेलो श्री राधे, श्री राधे श्याम, श्री सीताराम। हेलो हेलो श्री राधे, श्री राधे, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। हेलो हेलो हरि 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 सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलायतनोहरि। तु सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, तीन देव रक्षा करे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधार, माता मेरी सरस्वती, धरो तुम्हारो ध्यान, आई के कंठ विराजियो, मकरती हो कल्याण। कथा सुनो अब होत है, सुनो वीर हनुमान, आई के आसन लीजियो, सिया सहित भगवान, आई के आसन लीजियो, सिया सहित भगवान। बोली जंगली माता की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो, नैमिषारण्य धाम की जय हो, 88,000 ऋषियों की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, जय जय श्री। इस मंगलमय कथा के आयोजक आदरणीय सम्मानी हमारे राम ललन दादाजी एवं उनकी धर्मपत्नी हमारी माताजी, समस्त यादव परिवार, समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी, सभी के महान सहयोग से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन किया गया, आज इस कथा का चतुर्थ दिवस की रात्रि कालीन बेला अपने समय से प्रारंभ है। धर्म पंडाल में उपस्थित दूर दूरांतर से आए हुए भक्त जन, संत महात्मा एवं कथा के सुनने वाले भगवत प्रेमियों, सती सावित्री सिया के पक्ष चिन्हों पर चलने वाली देवी शिरोपा माताएं बहने, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रहे उन सभी भक्त जनों को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। हमारे दादाजी ने हमारा चंदन वंदन करके हमारा सम्मान किया, 501 मुद्राएं दे करके हमारा सम्मान किया। कामना करते भगवान से जीवन मंगलमय हो, भगवान सदा सुखी एवं संपन्न बनाए रखे, हर चीज से परिपूर्ण रखे। आओ सर्वप्रथम चलते हैं परमात्मा के पावन चरणों में और फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कि मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन
पे उतर तुम्हारा I'm
हम सभी लोग बोलेंगे, सभी हमारी माताएं बहने, सभी हमारे भैया दादा लोग, फिर चलते हैं परमात्मा की पावन चर्चा में, सभी लोग प्रवेश करेंगे। भाव से सब लोग बोलिएगा, मन वाणी अंतःकरण पवित्र हो जाए, फिर चलते हैं भगवत चर्चा में। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आज मैं दिल में जो सबको अच्छी लगे, वही मेरी मारे हमें चाहिए।
चलते हैं परमात्मा की पावन चर्चा में प्रवेश करें। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया, और जब ये बात महाराज परीक्षित को पता चली तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, अपने पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन पर बिठा दिया, राज पाठ दे करके स्वयं गंगा जी के किनारे योगेश भीष बना करके आकर के बैठे। और जिस समय ये खबर संतों को मिली तो सभी संतगण जो थे वहां पर आने लगे, और कहते हैं कि धीरे धीरे संत जब एकत्रित हुए तो 88,000 संत वहां पर पहुंचे। नारद बाबा बैठे महाराज परीक्षित के पास में, तो नारद बाबा ने प्रश्न किया, राजन तुम अपना राजपाट छोड़ करके गंगा जी के किनारे आकर के योगेश भीष बना करके क्यों बैठे हो, क्या कारण है? महाराज परीक्षित ने सारी बात बतलाई। अच्छा, सारी बात बतलाई तो वहां पर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। अब नारद बाबा ने देखा कि 88,000 ऋषि बैठे हैं लेकिन परीक्षित के मोक्ष की बात तो कोई नहीं बता पा रहा है। जब कोई नहीं बोला, पाराशर जी महाराज जो थे वो कहने लगे कि हम जरूर इतने संत यहाँ पर आकर के बैठे हैं लेकिन महाराज परीक्षित को मोक्ष दायिनी किसी को भी कोई चर्चा यानी किसी को भी कोई कथा नहीं आती है। अगर ये कथा आती है तो केवल और केवल हमारे पोते श्री सुखदेव जी को आती है। नारद बाबा ने कहा सुखदेव जी कहाँ हैं? पाराशर जी ने कहा कि हमको भी नहीं मालूम है कहाँ हैं, क्योंकि जब से वो पैदा हुए तब से लौट करके कभी दर्शन नहीं दिया, चले गए तो लौट के दर्शन नहीं दिया। नारद बाबा ढूंढने के लिए निकल पड़े। अंत में सुखदेव जी महाराज नारद बाबा को मिले और नारद बाबा सुखदेव जी महाराज को लेकर के उन्हीं 88,000 संतों के पास में आकर के पहुंचे। जैसे ही पहुंचे हैं तो सभी संतों ने उठ करके महाराज सुखदेव जी को प्रणाम किया, आसन दिया, बैठ गए। और जब बैठे हैं तो उसी क्षण परीक्षित महाराज सुखदेव जी महाराज के आगे बैठ के हाथ जोड़ करके बोले, महाराज एक बात मुझे बताइए। सुखदेव जी ने पूछा, कहो क्या पूछना चाहते हो? परीक्षित ने कहा, महाराज हम ये पूछना चाहते हैं कि प्राणी के जीवन का मेन तत्व क्या है। महाराज मुझको ये बताइए कि प्राणी मोक्ष को कैसे प्राप्त करे, कोई मोक्ष का मार्ग बताइए। जैसे इतनी बात कही तो उसी समय महाराज सुखदेव जी जो है तुम पहले कथा सुनने का विधान बताते हैं। सुनो, पहले हम तुमको बता रहे हैं कि कथा सुनने का नियम क्या है। परीक्षित जी ने कहा कि बताइए महाराज क्या नियम है, उन्हीं नियमों के अनुसार हम आपके मुखारविंद से कथा को श्रवण करेंगे। तो उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जिस समय कथा सुनने आए, और ये बात केवल परीक्षित के लिए नहीं है, हम सबके लिए वही बात लागू होती है कि जब कभी हम भी हम कथा सुनने के लिए जाएं तो भागवत में बड़ा सुंदर भाव दिया है कि कैसे जाएं। पहले ये समझो कि जिस समय कथा सुनने आए तो स्वच्छंद साफ मन ले हरी कीर्तन में बैठ के
परीक्षित को समझाया, राजन जब भी कथा सुनने के लिए जाओ तो मन स्वच्छ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये भाव लेकर के कथा में कभी जाना नहीं चाहिए, माया साथ में नहीं ले जानी चाहिए। और जब जाकर के कथा में बैठो तो ऊंच नीच का भी हमारे अंदर भाव नहीं होना चाहिए। हम कहाँ बैठे हैं कथा भागवत में ये कभी मत देखो कि हम कहाँ बैठे, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, परमात्मा का दरबार है, यहाँ पर ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होना चाहिए। महाराज आप कितने भी विद्यावान हैं, आप कितने भी गुणवान हैं, लेकिन जब कथा प्रांगण में आप बैठो तो आप अपनी विद्वता का आपके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। ये मत कहना कभी भी जाकर के कथा प्रांगण में बैठ करके जो कथा सुना रहा है, कभी भी ये बात अपने मन में ना लावे कि ये सब तो हमको मालूम है, ये सब तो हम जानते हैं। महाराज ये भाव नहीं होना चाहिए। और अगर कोई चित्त लगा करके ध्यान लगा करके परमात्मा का गुणगान सुनता है, अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय न लेकर के जो कथा को सुनता है, किसी प्रकार का कथा में जो कोई कुतर्क नहीं करता है, सच्चे भाव से कथा को सुनता है, महाराज उसको इस भागवत का अच्छा फल मिल जाता है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुनो राजन एक बात हम और बता दे। परीक्षित ने कहा, महाराज ये बात आप हमको क्यों बता रहे हो, क्योंकि हम तो सच्चे भाव से आए हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हम तुमको इसलिए समझा रहे हैं कि तुमको मैं समझा रहा हूँ, और तुमको समझाने के चक्कर में और भी लोग हमारी इस बात को सुनेंगे तो अपने जीवन में धारण करेंगे। और इतना ही नहीं, और सुनो परीक्षित क्या, कि जिसको सुनकर कुछ असर न हो, कथा में बैठो और कथा कही जाए और फिर भी कथा सुनकर के तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आवे तो महाराज कथा सुनना बेकार है। हम नहीं कह रहे, हमारी बात मत मानो, पर जो आपकी श्रीमद् भागवत कह रही हम वो आपसे कह रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कहते, आपकी भागवत कहती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले, राजन कि जिसको सुनकर कुछ असर न हो तो राजन व्यर्थ कथा है।
जाकर के पंडाल में बैठे कथा को श्रवण करें और महाराज कथा सुन करके अगर आपके अंदर कथा वाले भाव न आए तो फिर महाराज कथा सुनने से क्या लाभ है? कोई लाभ बताइए? कोई लाभ नहीं। जो कथा में जाकर के बैठो और कथा में तुम्हारा मन ना लगे तो वो कथा नहीं, तुम्हारे लिए व्यथा है, तुम्हारे लिए व्यथा है। भागवत में महाराज इतना तक लिख दिया गया क्या कि भागवत में जो कथा सुनने आ, चाहे भागवत हो चाहे राम कथा हो, जो कथा सुनने वाते हैं तो सब श्रोता एक जैसे नहीं होते। हमने आपको फिर संकेत किया था कि हर श्रोता एक से नहीं होते, कुछ होते हैं। कैसे होते हैं? भागवत जी में लिखा है कि कुछ दुष्ट इसलिए आते हैं कि देखें पंडित जी कैसे हैं। कुछ निंदक यही देखते हैं वे कथा किस तरह बहते जो केवल ये देखने के लिए आते हैं कि चलो देखते हैं कथावाचक कैसा है, जो ये देखने के लिए आते हैं कि चलो चल करके देखते हैं कथावाचक कैसा, और वहां पर जाकर के पंडाल में बैठते हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं करते महाराज, किसी न किसी की निंदा किया करते हैं, किसी ना किसी की निंदा करते हैं, किसी न किसी बात से विवाद कर देते हैं, ऐसे भी श्रोता होते हैं। लेकिन परीक्षित, तुमको इस प्रभात से कथा नहीं सुनी है, तुम्हें तो अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके भाव के साथ में कथा सुननी है। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैं अपने सर्वस्व मन से बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपके माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहता हूँ, ताकि महाराज मेरा मोक्ष हो जाए और मैं मोक्ष को प्राप्त होना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, हम तुमको ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे मेरी कथा को सुनकर के तुम्हें मोक्ष मिलेगी। और यही बात कह रहे थे सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुनो राजन अब हम तुम्हें चतुर्थ स्कंध की कथा, भगवान भोलेनाथ का शिव चरित्र सुनाने के लिए चल रहे हैं, बड़े भाव से श्रवण करिएगा। और जैसे इतनी बात बोले तब तलक क्या देखा, महाराज आकाश से कुछ देवता जो थे अमृत का कलश लेकर के आ गया, ध्यान दीजिएगा, अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के 88,000 ऋषियों को प्रणाम किया, श्री सुखदेव जी महाराज को भी प्रणाम किया। महाराज सुखदेव जी ने कहा, कहो देवताओं कैसे आना हुआ? तो उसी समय देवता बोले, महाराज हम परीक्षित के लिए कुछ चीज लाए हैं। बोले क्या लाए हो? बोले महाराज हम परीक्षित के लिए अमृत लाए हैं। मैंने जब ये सुना कि परीक्षित को श्राप लगा है कि परीक्षित सातवें रोज मर जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, तो मैंने सोचा कि ऐसा राजा भला जीवन में दोबारा हो ना हो, इसलिए ऐसे राजा को मरना नहीं चाहिए, इसलिए हम इनके लिए अमृत लेकर के आए हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, तो अमृत का क्या करें? बोले ये अमृत परीक्षित पी लें तो परीक्षित अमर हो जाएंगे, और इस अमृत के बदले में आप हमको जो श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, यही मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा आप अमृत के बदले हमको सुना दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की ओर देखा, कहो परीक्षित। सुखदेव जी ने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी परीक्षा भी हो जाए परीक्षित की, कि देखते हैं कि सच्चे भाव से ये कथा सुनना चाहते हैं या फिर इनको जो श्राप लगा इसलिए कथा सुनना चाहते हैं। तो उसी समय श्री सुखदेव जी ने कहा, कहो परीक्षित क्या तुम श्रीमद् भागवत कथा सुनोगे, मोक्षदायिनी कथा सुनोगे या फिर अमृत पियोगे? तो परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मुझे अमृत नहीं चाहिए।
परीक्षित ने कहा मुझे अमृत नहीं चाहिए, अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूँ, अब तो मुझे मोक्ष दायिनी श्रीमद् भागवत कथा आप सुनाइए, मुझे अमृत नहीं चाहिए। और जो इतनी बात कही तो देवताओं ने कहा एक बात बताइए, क्या अमृत से भी महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा हे देवताओं, ये प्रश्न तुमने जो किया बड़ा सुंदर प्रश्न किया, लेकिन सुनो हम तुम्हें उत्तर दे रहे हैं, ये तुम्हारा अमृत जो है ये समझ लीजिए कि एक कांच का टुकड़ा है और श्रीमद् भागवत कथा जो है एक हीरे का टुकड़ा है, इतना अंतर है। और जो इतनी बात कही तो उसी समय देवताओं ने कहा धन्य है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित ये अमृत नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत कथा, अपने अपने आप को मोक्ष पाना चाहते हैं इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, तुम्हारे अमृत का कोई अस्तित्व नहीं है। परीक्षित ने भी कह दिया मुझे अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी है। देवताओं ने कहा धन्य हो परीक्षित। इधर जैसे इतनी बात कही देवता लोग जो थे विचार करने लगे, आज श्रीमद् भागवत के आगे ये अमृत कुछ भी नहीं रहा। देवता अमृत लेकर के वापस चले गए। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लग गए और कहते हैं आओ परीक्षित हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। और चतुर्थ स्कंद में सबसे प्रथम कथा आती है श्री शिव चरित्र। सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनो राजन, जिन प्रभु के द्वारा बना मानस परम पवित्र, यहाँ कहेंगे हम उन्हें शिव के चार चरित्र। हे राजन सुनो, हम भगवान शिव का चरित्र आपके सामने रख रहे हैं। ए भैया, वैसे तो हम आप सभी लोग कहते हैं कि मानस को किसने लिखा, कोई कहता है कि श्री महाराज तुलसी बाबा ने लिखा, कोई कहता है वाल्मीकि महाराज ने लिखा है, लेकिन मानस के असली रचनाकार कौन है मालूम है? मानस के असली रचनाकार कौन है? निज बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने भाव दिया है, निज महेश निज मानस राख, रच महेश निज मानस राखा। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा कि मानस की रचना सर्वप्रथम की है तो केवल और केवल भगवान भोलेनाथ ने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इतने बड़े रचनाकार महाराज भगवान शंकर और बहुत बढ़िया कथावाचक भी भगवान शंकर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर कथा भी कहते हैं। लेकिन एक दिन का जिक्र, एक दिन का समय, भगवती पार्वती जो थी बैठी हुई है, ध्यान दीजिएगा, भगवती पार्वती बैठी, भगवान भोलेनाथ वहां पर नहीं है। और जिस समय भगवान भोलेनाथ वहां पर नहीं है, भ्रमण करने के लिए कहीं बाहर गए हैं, उसी क्षण भगवती पार्वती ने क्या किया, अपने शरीर में उबटन लगाया, ध्यान दीजिएगा, भगवती पार्वती ने अपने शरीर में उबटन लगाया और उबटन लगाने के बाद में फिर उसको मल मल के छुड़ाने लगी। और जैसे मल मल के छुड़ाने लगी, जब मल करके वो उपटन एकत्रित हुआ तो उसी मले हुए उपटन का भगवती पार्वती ने क्या किया, एक पुतला बना करके तैयार किया। और जब पुतला बन करके तैयार हुआ तो फिर भगवती पार्वती ने क्या किया, उसी पुतले के अंदर अपनी यथाशक्ति के द्वारा महाराज उसी पुतले के अंदर जीवात्मा को प्रवेश कर दिया। और जैसे उसमें जीव प्रवेश हुआ तो महाराज वो बालक उठ करके बैठा, उसी बालक का नाम हुआ है गणेश महाराज, ध्यान दीजिएगा, ये गणेश जी जो हैं पार्वती के प्रथम पुत्र हैं, विचार करिएगा। जब भगवान भोलेनाथ लौट करके आए तो भगवान शंकर को ये बात मालूम हुई, भोले बाबा को जब ये बात मालूम हुई तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर दुखी भी हुए। भोले बाबा ने विचार किया, वाह भाई वाह, पार्वती ने अकेले ही पुत्र का को बना लिया, इसका मतलब इनके जीवन में हमारा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, अगर मेरा कोई इनके जीवन में अस्तित्व होता तो ये ऐसा कार्य कभी नहीं करती। तो भगवान शंकर को दुख हुआ और महाराज कहते हैं कि जब जीवन में दुख आए तो आपको करना क्या है, अगर आप अपने दुख को दूर करना चाहते हो तो परमात्मा की कथा में चले जाओ, भगवान की कथा सुनने के लिए चले जाओ, आपका दुख दूर हो जाएगा। और जब तक परमात्मा की कथा में नहीं जाओगे महाराज, दुख दूर होने वाला नहीं है। और मान लीजिए कि वहां
पर आपको कथा नहीं मिल रही तो आपके घर में रामचरितमानस अगर रखी है, आप उसी रामचरितमानस को उठा करके अपने आगे रख लीजिए और भाव से उसको पढ़ने लग जाइए, कुछ क्षण के अंदर ही आपका दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि ये भगवान राम की कथा ही ऐसी है, जिस समय रावण माता सीता का हरण करके अपनी लंका को ले गया और ले जाकर के अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रखा। श्री हनुमान जी महाराज जब माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में गए तो हनुमान जी महाराज जाकर के उसी अशोक वृक्ष पर बैठे, और जब अशोक वृक्ष पर बैठे तो हनुमान जी महाराज ने माता सीता पर दृष्टि डाली और जैसे माता सीता को देखा तो हनुमान जी ने क्या देखा कि मेरी मैया इतना दुखी है। हनुमान जी को दिखा कि मेरी माँ को ये दुख परेशान कर रहा, तो हनुमान जी ने कहा दुख से, अरे दुख मेरी माँ को तू क्यों परेशान करता है, तू जा मेरी माँ से दूर हो जा। दुख ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा नहीं जाओगे? दुख ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा अभी हम ठीक से समझा रहे हैं, अभी तू चला जा, ये मेरी माँ का दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, तू चला जा मेरी माँ से दूर हो जा। दुख ने कहा चाहे कुछ कर लो लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं जाओगे? दुख ने कहा नहीं जाऊंगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, तो तुम्हारे दम है तो फिर रुक के दिखाना। दुख ने कहा हम तो रुके हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। उसी समय अब विचार किया हनुमान जी ने, हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ दुख। बोले क्या? बोले तुम जिनके पास में बैठे हो क्या तुमको ये पता है कि इनका रिश्ता कितनी ऊंचे जगह पर है? बोले मैं जानता हूँ। बोले क्या जानते हो? तो दुख ने कहा इनके जो पति हैं राम, मैं उनको भली भांति जानता हूँ लेकिन उस पर मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं इनसे दूर जाने वाला नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा लोग कहते हैं कि भगवान राम की कथा कहने लग जाओ तो दुख दूर हो जाता, लेकिन ये दुख जो है ये तो राम जी को मेरे प्रभु को जानता है फिर भी दूर नहीं हो रहा है, तो क्या ये खाली बनावटी बातें हैं या फिर हकीकत है कुछ? तो हनुमान जी ने सोचा कि आज हम भी इसकी पारी कर लेते हैं। हनुमान जी ने दुख से कहा नहीं जाओगे? दुख ने कहा नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे बप्पा कसम है फिर जायो ना। दुख बोला नहीं जाऊंगा, कुछ कर लो नहीं जाऊंगा। तो उसी समय हनुमान जी ने कहा क्या कि राम नाम गुण बरनै लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। जो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि खाली मुली सब गाते फिरते हैं राम से बड़ा राम का नाम, लेकिन ये तो राम से नहीं डरता तो राम के नाम से क्या डरेगा, लेकिन आज हम इसकी पारिख कर लेते हैं। और जय हनुमान जी महाराज ने भगवान राम की कथा कहना प्रारंभ किया सो महाराज दुख भागा। और जैसे दुख भागा, गया नहीं भागा है, जो चीज जाती है वो लौट के आ जाती है लेकिन जो भाग करके जाता है वो कभी लौट के वापस नहीं आता। इसलिए दुख भागा है, गया नहीं, दुख भागा। और जब दुख भागा तो हनुमान जी ने कहा भाई तो हम कथा प्रारंभ ही किए, तू तो कह रहा था नहीं जाऊंगा, अब हिम्मत है तो रुक। तो दुख ने कहा भैया जहाँ राम की कथा होगी वहां मैं रुकने वाला नहीं हूँ, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए महाराज राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है, विचार करिएगा, राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है। लेकिन महाराज महिमा तब हमको दिखाई देती है जब हम अपने तन और मन से परमात्मा का नाम का स्मरण करते, तब महिमा दिखाई देती है, ऐसे महिमा दिखाई नहीं देती है। और अभी तक महाराज कहते हैं ना इस संसार का नाम क्या है, जगत नाम है जगत, लेकिन हम सब सो रहे हैं। सो रहे हैं कि नहीं? हम सब कब जागते हैं महाराज? जब काल का तमाचा लगता है तब जागते हैं, बाकी तो जिंदगी भर सोते ही रहते हैं, तब सोते ही रहते हैं। या फिर भगवान की कि भगवान से हम जुड़ जाएं, परमात्मा का संकीर्तन करने लग जाएं, मोह माया से दूर हो जाएं, छल कपट से दूर हो जाएं, तो समझो कि हम जाग गए, अन्यथा हम सोए ही हैं। और महाराज जागता कौन है, जरा विचार करिएगा, भाव दिया, जब तक जागोगे नहीं तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है।
नहीं मिलेगा। कहा भी गया है क्या कि बिना जागे ना पई हो सजना सखिया, बिना जागे ना पई हो सजना सखिया, सजना सखिया की सजना सखिया, सजना सखिया हो सजना सखिया, बिना जागे जो सजन शब्द आया है, ये सजन शब्द कबीर बाबा ने उस परमात्मा को लिखा है। ध्यान दीजिएगा, कबीर बाबा ने उस परमात्मा को कहीं अपनी लेखनी में सजना लिखा है, कहीं पर बलमा लिखा है, अनेक शब्दों में लिखा है। इसलिए सजना किसको कहा गया, उस परमात्मा को सजना कहा गया। और हम सबको क्या कहा गया महाराज, असली अगर देखा जाए हमारे पति कौन है तो वो परमात्मा है महाराज। इसलिए कबीर बाबा के, क्योंकि कबीर बाबा की उल्टी बाड़ी, कबीर बाबा की उल्टी बाड़ी बरसे कंबल भीग गए पानी, उल्टी बाड़ी है कि नहीं। अरे भेगा जाके ना पई हो सजना सखिया, भेगा जाके ना पई हो सजना सखिया, सजना सखिया हो सजना सखिया, सजना गुरु नाई के दर्शन।
भागवत महापुराण। जय। तो महाराज जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है, इसलिए जागो तो भगवान मिलेगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बतला रहे हैं, जिस समय महाराज भगवान भोलेनाथ को ये पता चला तो भगवान शंकर ने विचार किया कि भवानी ने एक पुत्र का निर्माण किया, इसका मतलब इनके जीवन में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहा। सो भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ और भगवान शंकर ने सोचा कि अब हमारे अंदर दुख हुआ है तो इस दुख को हम दूर कैसे करें, हमारा दुख दूर कैसे होगा। भगवान शंकर ने सोचा कि कैसे दुख दूर हो, हमारा दुख तब दूर होगा जब हम भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करेंगे, तब हमारा दुख दूर होगा। भगवान भोलेनाथ बैठे कहाँ हैं, कैलाश पर्वत पर। बाबा जी ने लिखा अपनी मानस में, क्या लिखा, परम रम्य गिरिवर कैलाश, परम रम्य गिरिवर कैलाश, कहाँ सदा शिव उमा निवास। भवानी के सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान है, ध्यान दीजिएगा, कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान भोलेनाथ। लेकिन महाराज जिस समय कैलाश पर्वत पर बैठे हैं भगवान शंकर, उसी कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे भगवान शंकर एक बट वृक्ष तैयार कर रहे हैं। बट माने किसका वृक्ष होता भैया, बट माने बरगद, ध्यान दीजिएगा। तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे एक बट वृक्ष तैयार कर रहे, ते ही गिर पर ये कब बिटप विशाला, बिटप माने बरगद और विशाल माने बहुत बड़ा, कोई छोटा मोटा नहीं महाराज। लेकिन ये भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के सिवाय और वहां पर कुछ है भी नहीं। कैलाश पर्वत पर क्या है भैया, केवल बर्फ है, बर्फ के सिवाय कुछ नहीं। और उसी बर्फ के ऊपर भगवान शंकर एक बट वृक्ष तैयार कर रहे हैं, एक बरगद का वृक्ष तैयार कर रहे हैं। और पास में भवानी भी बैठी हैं, सती जी भी बैठी हैं, लेकिन ये कोई बट वृक्ष तैयार नहीं कर रही हैं। तो कारण क्या है महाराज, ये बट वृक्ष है क्या, जरा विचार करिएगा, ये बट वृक्ष क्या है जो भगवान शंकर बैठे बट वृक्ष तैयार कर रहे हैं, बरगद का वृक्ष, पर भवानी कोई बट वृक्ष नहीं तैयार कर पा रही, और वो भी बर्फ के ऊपर। भैया आपने देखा होगा कि महाराज बर्फ के ऊपर काई तक नहीं लगती है, लगती है क्या, बर्फ के ऊपर काई तक नहीं लगती है, और उस बर्फ के ऊपर भगवान शंकर एक बरगद का वृक्ष तैयार कर रहे हैं। बोलो महाराज सोचने वाली बात है कि नहीं है, है ना। पर तुलसी बाबा ने विचार किया कि ये बात हमने संदिग्ध लिखी है, लेकिन अगर प्राणी इसको पढ़ेगा तो भला वो क्या समझेगा। तो इसलिए भगवान तुलसी बाबा ने क्या किया, इसका समाधान आगे कर दिया। समाधान क्या किया कि प्राणी कहीं भटकने ना पावे, तो पहले हम ये समझते हैं कि बट वृक्ष है क्या, ध्यान दीजिएगा क्या है बट वृक्ष। बाबा जी ने लिख दिया, बट विश्वास अचल निज धर्म। क्या है बट वृक्ष भैया, बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थ राज समाज सुकर। ये बट वृक्ष कुछ और नहीं है, विश्वास रूपी बरगद का वृक्ष भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे तैयार कर रहे हैं। ये हम आपका जो शरीर है ना, इसको आप बर्फ का एक सिल्ला ही समझिए, इसके अंदर भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता है महाराज। लेकिन हम ये भी नहीं कहते हैं कि विश्वास नहीं होता, होता है,
विश्वास भी दो प्रकार का होता है। एक विश्वास वो है जो क्षणिक विश्वास होता है, और एक विश्वास वो है महाराज जो जन्म जन्मांतर तक परमात्मा पर विश्वास हो जाता है। चाहे काम बने चाहे बिगड़े, परमात्मा पर विश्वास है तो मतलब है, दृढ़ विश्वास उसको कहते हैं। वो क्षणिक विश्वास किसे कहते हैं? हमारा कोई काम बिगड़ रहा है, हम गए भगवान के पास में, प्रभु हमारा ये काम हो जाए, चलो परमात्मा की कृपा हो गई, हमारा कार्य बन गया, तो विश्वास हो गया कि भगवान दुनिया में है। और हमारा दो चार महीने फिर व्यतीत हुए और फिर कुछ काम हमारा बिगड़ रहा है, हम फिर भगवान के पास भागे, महाराज हमारा ये काम हो जाए, और महाराज अब की बार हमारा वो काम नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ काम बिगड़ गया तो हम क्या कहते, अरे भगवान है नहीं। ये क्या है? ये क्षणिक विश्वास है। हम क्या कहते, भगवान होते तो हमारा काम हो ना गया होता। ए भैया, परमात्मा है, आप महसूस तो करो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैं संसार में, पर हम देख नहीं सकते उनको, पर उनको महसूस कर सकते हैं। परमात्मा भी महसूस करने वाली ही चीज है। कुछ कुछ कभी कभी लोग कहने लग जाते हैं, ज्यादातर नौजवान भाई लोग कहते हैं भगवान उगवान कुछ नहीं है, कहते भगवान नहीं है। अच्छा, भगवान नहीं है तो तुम सांस किसके बल पे ले रहे हो? किसके बल पे सांस ले रहे हो? अगर परमात्मा मात्र एक क्षण के लिए अपने आपके ऊपर से अपनी दृष्टि हटा ले तो महाराज न जाने हम कहां चले जाएंगे। फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा। अब ऐसे व्यक्तियों को कौन विश्वास दिलाए? उनको चाहे भागवत रामायण घोर घोर पियाओ, लेकिन उनके समझ हम परमात्मा पर विश्वास होगा तभी कथा भागवत समझ में आएगी। अगर विश्वास नहीं है महाराज तो कथा भागवत को समझ में आने वाली नहीं है। छड़ी विश्वास नहीं होना चाहिए महाराज। और एक बात हम आपको बताएं, भक्ति भी दो प्रकार की है, समझिएगा, भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक है निष्काम भाव भक्ति और एक है सकाम भाव भक्ति, और दोनों भक्तियों में अंतर है। अगर हम निष्काम भाव से भक्ति करेंगे तो परमात्मा मिलेगा, और अगर हम सकाम भाव से भक्ति करेंगे तो भगवान नहीं मिलेगा। अब निष्काम भाव क्या है और सकाम भाव क्या है? निष्काम भाव से भक्ति किसने की और महाराज सकाम भाव से भक्ति हम आप लोग कर रहे हैं। क्यों? सकाम भाव भक्ति का मतलब है एक दिन व्रत रह जाए तो हजारों चीजें भगवान से पहले मांगे बैठे, प्रभु हमको ये चाहिए, ये सकाम है महाराज, निष्काम नहीं है। और निष्काम भाव भक्ति ये है कि हमको केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हे प्रभु, कभी कभी कदार तो हमको एक बार आप दर्शन दे दो, बाकी आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा मत रखो। क्योंकि कहते हैं क्या कि श्री राम भक्ति ऐसी, भैया श्री राम भक्ति ऐसी, अरे श्रद्धा ओ भारती है, श्री राम भक्ति श्रद्धा ओ भारती है, श्री राम भक्ति है, श्री राम भक्ति है, श्री राम भक्ति है।
श्रद्धा उभारती है, निष्काम भाव सबरी रिस पथ बुहारती है। सबरी को आपने देखा महाराज, सबरी जवानी से बूढ़ी हो गई। पदम पुराण में ये भाव मिला है कि सबरी ने 10,000 वर्ष तक भगवान की राह देखी थी। सबरी के अंदर विश्वास था परमात्मा के प्रति कि भगवान एक दिन आएगा। लोग मजाक बना लिए सबरी का, संत लोग वहां पर जो रहते थे सबरी का मजाक बना लिए। अगर पेड़ से सूखा पत्ता गिरता था तो संत लोग बका देते थे सबरी को, देख सबरी तेरे राम आए। सबरी एकदम आंखें बंद करके दौड़ पड़ती थी। लेकिन सबरी के अंदर केवल एक ही भाव था, निष्काम भाव से भक्ति की थी कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल और केवल आपका दर्शन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जिनकी हजारों महाराज कामनाएं होती हैं उनको भगवान मिलने वाले नहीं है। जितना हो सके उतना निष्काम भाव से भगवान की भक्ति कर लो। कमाना खाना तो जिंदगी भर है महाराज, जिंदगी भर कमाना खाना, आए कमाए खाए मर गए चले गए, दुनिया में कुछ कर नहीं पाए तो क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं। अभी तो हमने कल भी आपको संकेत किया था कि जब तक महाराज तुम्हारे शरीर में जान है, जेब में पैसा है, हजारों लोग सलाम करेंगे, और जिस दिन महाराज शरीर में ताकत नहीं रह गई, इस स्थिति में आ गए कि बेटा हाथ पकड़ करके वहां तक ले जाओ, उस दिन महाराज बेटा भी साथ देने वाला नहीं है। हम नहीं कहते महाराज, संकेत मिलता है क्या कि ये तन कोई छूता नहीं है। भैया अभी तो लोग खूब रहते हैं, और कहो भैया क्या हाल चाल है, पास में भी बैठते हैं, काहे भैया से हाल चाल पूछेंगे तो कुछ नहीं तो एक पुड़िए खिला देंगे। लेकिन ए भैया जरा समझो जीवन की सच्चाई क्या है कि तन कोई छूता नहीं है, जीव निकल जा
खुशबू निकल जाने सच्चाई है। बोलो है कि नहीं है? यही जीवन की सच्चाई। आज भगवान भोलेनाथ बैठे हैं कैलाश पर्वत पर और भगवान शंकर वटवृक्ष तैयार कर रहे हैं, पर भवानी कोई वटवृक्ष तैयार नहीं कर पा रहे हैं, कोई वटवृक्ष नहीं तैयार कर पा रही। महाराज बर्फ के ऊपर भगवान शंकर वटवृक्ष तैयार कर रहे हैं। कौन सा वटवृक्ष है? बाबा जी ने लिखा बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर। विश्वास रूपी जो बरगद का वृक्ष है वो भगवान शंकर तैयार कर रहे हैं। ए भैया, हमने आपको संकेत किया, हम आपका ये जो शरीर है ना, ये भी एक बर्फ का टुकड़ा है और इसके अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास होना बड़ा मुश्किल है। क्षणिक विश्वास तो हो जाता है लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता है। और जबकि क्षणिक विश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए तो दृढ़ होना चाहिए। चाहे हानि हो चाहे लाभ हो कुछ भी हो, लेकिन परमात्मा के प्रति विश्वास कम होना नहीं चाहिए। भैया काम बनता है तो लोग अपना भाग्य समझते हैं और काम बिगड़ता है तो भगवान के ऊपर थोप देते हैं, कहते ये भगवान जाने। भगवान क्यों जाने महाराज? हमारा काम बने बिगड़े हमारे कर्मों से बनता बिगड़ता है, परमात्मा की कोई गलती नहीं है महाराज। क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। बाबा जी ने मानस में लिखा कि कर्म प्रधान। भैया लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने कि कर्म प्रधान विश्व रचिता, कर्म प्रधान विश्व कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। और सुनो भैया,
यही काया से जो पातक होई, लोग कहते हैं जो मन चाहे सो कर्म करो, ये सब कुछ नहीं होता, भोगना सोगना कुछ नहीं पड़ता। अरे महाराज किस भूल में हो, बाबा जी लिख रहे हैं यही काया से जो पातक होई, अगर इस शरीर से आपने कोई पातकी कार्य किया है तो बिन भोगे छूटे ना कोई, बिना उसका भोग भोगे इस शरीर से प्राण निकलने वाले नहीं है। इसलिए महाराज अच्छे कर्म करते हुए जीवन को जीना चाहिए, जितना हो सके अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। पर भगवान भोलेनाथ बैठे हैं वट वृक्ष तैयार कर रहे हैं, पर भवानी कोई वट वृक्ष नहीं तैयार कर पा रही है। अब भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि आज मेरे अंदर बड़ा दुख है, तो क्यों ना मैं इनको लेकर के कथा सुनने के लिए चलूं, और अगर मैं अकेले गया तो अकेले कथा सुनूंगा तो अकेले ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए हम सोचते हैं कि इनके अंदर भगवान के प्रति कोई भाव नहीं है, तो क्यों ना हम इनको भी साथ में लेकर के चले, हम इनको भी साथ में लेकर के चले। तो भगवान शंकर जो है भवानी से कहते हैं, देवी एक बात कहना चाहते हैं। भगवती सती ने कहा, महाराज क्या कहना चाहते हो? भोले बाबा ने कहा, देवी हम कहना चाहते हैं कि तुम चलो हमारे साथ। भवानी ने कहा, महाराज कहाँ चलें? बोले कथा सुनने। चलो हम तुमको कथा सुना लावे। और जो इतनी बात कही, चलो हम तुमको कथा सुना लावे, भवानी बोली कथा सुना लावे? कहाँ कहाँ चलोगे कथा सुनाने? बोले वो बहुत अच्छे कथावाचक हैं, उनके पास में चलेंगे, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, बहुत बढ़िया आश्रम है, बहुत अच्छे संत हैं, हम उन्हीं से तुम्हें कथा सुना लावे। भवानी बोली, महाराज लोग अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बचाते हैं और आप अपनी प्रतिष्ठा घटाने में लगे हो। बोले बाबा ने कहा, इसमें क्या प्रतिष्ठा घटेगी? तो भवानी ने कहा, महाराज जहां तक मैंने सुना है, तो मैंने तो यही सुना है कि सबसे अगर कथावाचकों में सबसे अच्छे कोई कथावाचक हैं तो वो आप हो, और स्वयं आपने मानस की रचना की है, स्वयं आप इतने सुंदर कथावाचक हो, इतनी बढ़िया कथा कहते हो, तो इतने बढ़िया कथावाचक होते हुए फिर भी तुम संत के पास कथा सुनने जा रहे हो। भोले बाबा ने कहा, देवी कुछ भी हो जाए, लेकिन जिनके पास मैं चलना चाहता हूँ बहुत सुंदर कथा कहते हैं। भवानी ने कहा, अच्छा एक बात और बताइए। बोले क्या? बोले उनका नाम क्या है? अच्छा एक बात बताओ भैया, कथावाचक के नाम से क्या मतलब है? कोई मतलब होता है? जैसे यहाँ पर कथा हो रही है आपके यहाँ हरपालपुर में, और आप किसी से कहो कि चलो भैया वहां पर कथा हो रही, चलो चल के सुनावे, और अगर आपसे कोई ये कहे भैया कौन कथावाचक है, कैसी कथा कहते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो महाराज ये बताओ तुमको कथा से मतलब है या महाराज दुनिया के बवंडर से मतलब है? किससे मतलब है? कथा से मतलब है, कथा सुनना है, कथा से तुम्हारा कल्याण होना है, इसलिए तुमको कथा पर ध्यान देना है। जहाँ कथा हो रही कोई कहे चलो भैया अभी नहीं, चलो चलते हैं कथा सुनाए भैया, चलो हम भी चले, अरे हमारा परम सौभाग्य जो हमको कथा सुनने को मिला। लेकिन अगर कोई टीका टिप्पणी कर दे तो ए भैया ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे टीका टिप्पणी कर दे कि कौन कथावाचक कहाँ से आए हैं, कौन सी कथा कहते हैं, तो आप समझ लीजिएगा उसी जगह पर, भले आपको कोई ना बताए लेकिन बिना बताए आप समझ जाना कि ये कथा सुनने वालों में से नहीं है, कथा सुनने वालों में से नहीं है। क्योंकि जो कथा सुनने वाला होगा उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे आप कहोगे वो सीधे आपके साथ में चल पड़ेगा, अरे भैया चलो हम भी थोड़ा दो शब्द सुनाए चल के हमारा भी कल्याण हो जाए। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की बातें करे तो समझ लो ये कथा सुनने वाला नहीं है, और उस पर जोर जबरदस्ती करके आप उसको ले भी आओ कि नहीं चलो इसको हम ले ही चलते हैं, और लाकर के पंडाल में बैठो उसको अपने पास में बिठाओ, ये भी गलत है। महाराज जब पंडाल में भी बैठेगा तो वो पंडाल में कमियां निकालेगा, कथावाचक में कमियां निकालेगा। अभी भागवत आपकी हमने आपको बतलाया ना, भागवत आपकी कह रही है, तो वो हजारों कमियां निकालेगा, ना तो कथा सुनेगा और ना ही आपको कथा सुनने देगा, आप भी कथा नहीं सुन पाओगे। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने साथ में मत लाना। भगवान भोलेनाथ ने कहा, चलो देवी कथा सुनाए। भवानी बोली, आपसे बढ़िया कथावाचक इस दुनिया में तो हमारी समझ में कोई नहीं, और फिर आप कथा सुनने जा रहे हो, कौन कथावाचक है महाराज? भवानी ने पूछा, कौन कथावाचक है, क्या नाम है उनका? भगवान शंकर ने कहा, देवी समुद्र के किनारे रहते हैं, बहुत सुंदर उनका आश्रम है, और कुंभज ऋषि उनका नाम है। कुंभज ऋषि का एक नाम और भी था, अगस्त ऋषि। कहा कुंभज ऋषि उनका नाम है, बहुत सुंदर कथा कहते हैं। भवानी ने कहा, कुंभज कुंभज माने घड़ा। महाराज एक बात बताओ, आप हो ज्ञान के सागर,
आप हो ज्ञान के सागर और वो है घड़ा। घड़े में तो सीमित जल आता है और महाराज सागर में तो अथाह जल होता, असीमित जल होता। अब एक बात हमको समझाइए, भगवान भोलेनाथ ने कहा बताओ, कहा एक असीमित ज्ञान वाला, जिसके पास में असीमित ज्ञान है, जैसे आप एक असीमित ज्ञान वाला, एक सीमित ज्ञान के वाले के पास में कथा सुनने जा रहा है, ये कहां की बुद्धिमानी है। भोले बाबा ने कहा अब इनको कौन समझाए। एक बात और बताएं भैया, एक बात बताएं, आप पड़ोसी को समझा सकते हो, समझिएगा, आप पड़ोसी को समझा सकते हो, अपने घर के व्यक्तियों को समझा सकते हो, आस पड़ोस में समझा सकते हो, नात रिश्तेदारों को समझा सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी को समझा सकते हो महाराज? पत्नी को नहीं समझा सकते हो महाराज, क्यों? क्योंकि पत्नी आपकी बात नहीं समझेगी। क्यों नहीं समझती है? क्योंकि वो तुम्हारा मर्म जानती है, इसलिए महाराज वो तुम्हारी बात नहीं समझेगी। तुम्हारी बात का असर उसके ऊपर होगा जो तुम्हारे विषय में जानता नहीं होगा, समझिएगा, तुम्हारे विषय में जो जानता नहीं होगा उसके ऊपर तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। और जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक जो आपको भली भांत जानता है उसके ऊपर आपकी वाणी का प्रभाव। इसीलिए हर आदमी कहता है कि हम सबसे तो सुखी हैं लेकिन घरवाली से, क्योंकि महाराज ये किसी की बात मानती नहीं है ना, अपने आगे किसी की चलने नहीं देती। पर यहाँ की बात नहीं, यहाँ की माताएं बहनें हमारी बहुत अच्छी हैं। आज चौथा दिन है महाराज, भाई 3 दिन रुकना है ना। बोले शंकर भगवान, तो भगवान शंकर से कहा भवानी ने, महाराज कुंभज, कुंभज माने घड़ा, आपके पास में असीमित ज्ञान है और वो है कुंभज, कुंभज माने घड़ा, उनमें सीमित ज्ञान है। एक असीमित ज्ञान वाला सीमित ज्ञान के पास कथा सुनने जा रहा है, ये कहां की बुद्धिमानी है। भगवान शंकर ने कहा देवी वो तो बात ठीक है, लेकिन अब थोड़ी हमारी बात सुन लो भवानी वाली, समझाओ, तुम्हारी तो सुनते सुनते जिंदगी बीतती जा रही है, क्या समझाना चाहते हो। भगवान शंकर ने कहा देवी सुनो, भले ही मैं समुद्र हूँ लेकिन देवी कोई बहुत प्यासा हो, समझिएगा भैया, कोई बहुत प्यासा हो, प्यास के मारे जिसके प्राण निकले जा रहे हैं और उस प्यासे को समुद्र का आधार, महाराज एक गिलास जल पिला दिया जाए क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी ना, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, उसकी प्यास नहीं बुझेगी, मर ऊपर से जाएगा। और वही प्यासा, उसी प्यासे को अगर घड़े का मात्र आधा गिलास जल पिला दिया जाए तो बोलो उसकी प्यास बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी? बुझ जाएगी ना, क्योंकि घड़े के जल में शीतलता होती है, घड़े का जल शीतल होता है महाराज। और कहा तो इतना तक गया है कि गर्मियों के महीने में अगर एक घड़ा खरीद लीजिए और उस घड़े का जल आप पीजिए तो देखिए उस जल में क्या स्वाद मिलता है, क्या टेस्ट होता है उसका। सारे जल आप पीना, नल का जल पीना छोड़ दोगे, सारे जल पीने छोड़ दोगे महाराज, कहीं से ये फ्रिज व्रिज का चक्कर तो अब चल गया महाराज, लेकिन पहले तो लोग घड़े में पानी रखते थे। आज भी जो आपके यहाँ उस दिन आए थे हमारे बीरबल दादाजी, उनके वहां आज भी घड़ा है। और हम लोग जब उनके वहां कथा करने गए थे 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, तो जब उनके वहां कथा कहने गए थे सीतामढ़ी में, उनके वहां जब कथा कहने गए तो हम लोग घड़े का जल पीते, वो घड़े का हाँ जो जल था वो पीते थे, बहुत अच्छा लगता था महाराज। और बाहर का जो जल, नल का जल था वो मन नहीं करता था कुछ को पिए, फ्रिज का भी व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी हम लोग घड़े का जल पीते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो तब घड़े थे, अब आजकल महाराज घड़े कहाँ रह गए। और तब उसमें अगर घड़े मटके में जल रख दिया जाए तो ठंडा रहता था, गर्म भी नहीं होता था। पर आज महाराज क्या स्थिति है, कहते हैं फ्रिज लाओ, कौन घड़ा सड़ा रखेगा, अब फ्रिज एक पानी पी पे सब सर्दी मारे घूम, बोलो हो जाती सर्दी नहीं हो जाती, हम दूसरे का होता है महाराज, हम खुदा ही, लेकिन क्या करें, पीना तो पड़ता है। वो सच्चिदानंद भगवान महाराज, भगवान शंकर ने समझाया पर महाराज भवानी की समझ में नहीं आया। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, अब अगर वही जो समझाना था सो हमने समझा दिया, अब तुम्हारी समझ में ना आवे तो तुम जानो, तुम्हारो भाग्य जाने, हमसे कोई मतलब नहीं, हम जा रहे हैं। तो उसी क्षण भवानी बोल पड़ी है, महाराज जा तो रहे हो लेकिन सुनो, कि जा तो रहे हो मुझे छोड़ कर तुम, बाबा
जा तो रहे हो मुझे छोड़ कर मासूम साये घर छोड़ यानी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भवानी भगवान भोलेनाथ पर एहसान कर रही है। अच्छा कथा सुनने जाओगे भैया, कोई के साथ में आप जाओ तो कथा आप सुनोगे, तो जिसके साथ में आप गए हो कथा सुनने का पल उसको तो नहीं मिल जाएगा, मिलेगा तो आप ही को। लेकिन भवानी क्या कह रही है, ना ही मान रहे तो चल रहे। भोले बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं चलो। और जिस समय भगवती को लेकर के भगवान भोलेनाथ चले जा रहे, पर रास्ते में यही कहती जा रही भवानी कि महाराज वहां चलोगे समुद्र के किनारे, हाँ और कोई स्थान आपको कथा सुनने के लिए नहीं बचे, हरिद्वार चले जाओ महाराज, वहां पर बहुत बढ़िया कथा होती है। अयोध्या चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, क्या यहाँ पर कथावाचक नहीं है? केवल समुद्र के किनारे उन बाबा जी के पास चल पड़े, अगर जोर से हवा चल गई तो सब बालू ऊपर ही आ जाएगी, महाराज वहाँ कथा सुनने जा रहे। अब इनको कौन समझाए? भोले बाबा ने कहा देवी तुमको बालू याद आ गई, लेकिन उन संत को याद नहीं किया कि जो संत कथा सुना रहे हैं। बोले कैसी कथा सुना रहे हैं? बोले चलोगे तब ना पता चलेगा। अब ऐसे समझाने से तो तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। पर भवानी रास्ते भर में यही कहती जा रही कि कहाँ जा रहे हो, हमारे फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हो। पर चले हैं जब तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने देखा और लिख दिया। क्या लिखा? कि एक बार जोगमाहे शंभु गए तुम भजन
पसंद हो गए भगवान भोलेनाथ माता सती जी को लेकर के जब चले तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने देखा और जब देखा तो तुलसी बाबा बड़ा प्रसन्न हो गए। वाह भाई भाई भोले बाबा तो जा ही रहे कथा सुनने के लिए, साथ में भवानी भी जा रही है, ये तो कोई साधारण सी बात नहीं है। और जरा विचार करिएगा, कहते हैं जब कथा हम जोड़े से सुनते हैं तो कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भोले बाबा भी यही चाहते थे, अन्यथा भोले बाबा इतना नहीं कहते, अकेले चले जाते। पर भगवान शंकर ने कहा कि सर जोड़े से जाएंगे तो कथा का पूर्ण लाभ मिलेगा। इसलिए भगवान शंकर सती पर ज्यादा प्रेशर किए कि देवी तुम भी चलो हमारे साथ में। और दूसरा भाव ये भी रहा भगवान भोलेनाथ का कि अगर ये कथा सुन लेंगी तो कुछ इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि खराब ज्यादातर माताओं बहन का रहा था, यह शुद्ध कर लिए तो कथा सुनाई जाती। महाराज आज भोले बाबा जिस समय चले तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने देखा तो विचार किया, वाह भोलेनाथ कथा सुनने जा रहे हैं और भोलेनाथ के साथ साथ में माता सती जी भी जा रही, और ये कोई साधारण बात नहीं है भैया, ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर मायके को जाना हो माताओं बहनों को तो तुमसे ये कई बार पूछेंगी, तैयारी पहले बना के बैठेंगी, पूछेंगी बाद में। और अगर सोचो कि लाओ कथा भागवत सुना लावे कहीं और चले तो हजारों बहाना, हजारों बहाने बन जाते, का करे चले, हमारी यहाँ साड़ी ना हो, चप्पल ना हो, चुड़िया ना, दुनिया का बहाने। लेकिन अगर वहां जाना हो तो तुरंत तैयारी बन जाती है, मारा तुम ना ही करत रहो वही तैयार बैठी है, नल जाओ तो झगड़ा करो महाराज। पर भोले बाबा आज जब लेकर के चले तुलसी बाबा ने देखा, जी बात है भाई भोलेनाथ तो जा रहे क्योंकि भगवान शंकर कथा के प्रेमी है और ये माता सती जो है कथा की प्रेमी नहीं, लेकिन आज अगर ये जा रही है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन माँ सती जी जा रही हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने उठाई कलम और लिख दिया, जब हम आप कथा सुनने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो हम आपको कोई न कोई पद मिल जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपकी मानस कह रहे हैं, हमको कोई न कोई पद मिल जाता है और वही पद हमसे छिन भी जाता है। कब? जब हम पंडाल में बैठ करके कथा को नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर जब चली है भवानी तो तुलसी बाबा ने देखा, विचार किया, ये माता सती जी कोई साधारण नहीं है, आज मेरे राम की कथा सुनने जा रहे हैं। इसलिए बाबा जी ने लिख दिया, क्या लिखा? संग सती जग जननी भवा, लिखा बाबा जी ने, क्या लिखा? संग सती जग जननी भवा, बहुत सुंदर भाव लिखा, संग सती जग जननी भवानी, कितना बड़ा पद मिला भैया, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषिया गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने देखा तो लिख दिया, संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने देखा तो कहा, ये साधारण नहीं है, क्यों? मेरे राम की कथा सुनने जा रही है, इसलिए इनको कितना बड़ा पद दिया गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने, संग सती जग, जग माने जगमाने संसार, जगमाने संसार। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिख रहे हैं, क्या? संग सती जग जननी, जननी माने माँ, बाबा जी लिख रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी, कितना बड़ा पद दिया भैया, ये कोई साधारण नहीं है, मेरे राम की कथा सुनने जा रहे हैं, इसलिए सारे जगत की माँ, ये सारे जगत की माँ है। जो परमात्मा की कथा को सुनता है वो कोई साधारण नहीं होता भैया, वो साधारण नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी उसको कोई ना कोई पद जरूर प्रदान कर देते, वो साधारण नहीं माना जाता है। आज भवानी को कितना बड़ा पद दिया कि सारे जगत की माँ,
ए भैया, अगर कोई साधारण एक अपने बच्चे की कोई माँ बनती है तो कितना प्रसन्न होती है कि आज मैं माँ बनी। लेकिन जो सारे जगत की माँ हो, भैया जरा बताओ, इतना बड़ा पद। लेकिन फिर भी सती का भाग्य फूटा है तो कोई क्या करे महाराज। चली हैं और जैसे चली, जब समुद्र के किनारे भगवान भोलेनाथ लेकर के पहुंचे तो क्या देखा, अगस्त ऋषि जो हैं, कुंभज ऋषि जो हैं, व्यास गद्दी पर बैठे हुए कथा कह रहे हैं और महाराज बहुत से संत जन बैठे कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने जैसे ही संतों का सैलाब देखा तो भवानी से कहा, देवी देखो वो कथावाचक व्यास गद्दी पर बैठे कथा कह रहे हैं और देखो भवानी, क्या तुमको ये हमको बता सकती हो कि इनमें कौन कौन से संत बैठे हैं। भवानी ने कहा, महाराज ये तो नहीं बता सकती हूँ कि कौन कौन संत बैठे, पर इतना जरूर बता सकती हूँ कि हजारों की संख्या में संत लोग बैठे हैं, हजारों की संख्या में। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी अब समझ जाओ, अगर ये कथावाचक अच्छे न होते तो इनके यहाँ हजारों की संख्या में संत बैठे कथा नहीं सुन रहे होते। ये वक्ता की पहचान है, बहुत बढ़िया कथावाचक है, इसलिए हजारों की संख्या में संत लोग बैठे हैं। भवानी ने कहा, बैठने को तो कोई भी बैठ सकता है, अब है कोई चारा समझाने का। भवानी बोली, बैठने को तो कोई भी बैठ सकता है महाराज, कोई जरूरी नहीं कि सब कथा सुनो। बोले बाबा ने कहा, धन्य हो महारानी, अब हम तुमको कैसे समझाएं। सो महाराज भोले बाबा फिर ले भाई दशा तुम रही, जाग जाओ। वो शंकर भगवान की जय। आज महाराज जैसे ही भगवान शंकर थोड़ा पास में पहुंचे लेकर के भवानी को, महाराज अगस्त ऋषि कथा कह रहे थे, जो भगवान शंकर को देखा तो कथा को विराम दे दिया, कथा जहां के वहीं रोक दिया और एकदम जयकारा लगा, बोल शंकर भगवान की जय हो, विराम दे दिया कथा को। व्यास गद्दी से उतर करके गए अगस्त ऋषि और जाकर के भगवान भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और जैसे हाथ जोड़ के खड़े हुए तो भवानी बोली, जय कथावाचक। भगवती सती ने भगवान शंकर से कहा, महाराज जय कथावाचक हैं। भोले बाबा ने कहा, तुम्हारी आंखें भाई फूटी रही का, अरे व्यास गद्दी पर तो यही बैठे थे। भवानी ने कहा, नहीं नहीं, कथावाचक की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। बोले क्या प्रतिष्ठा होती है? बोले कथावाचक किसी श्रोता को प्रणाम नहीं करता है, श्रोता प्रणाम करते कथावाचक को। लेकिन ये कैसे कथावाचक जो है जो श्रोता तुमको प्रणाम कर रहे हैं? बोले बाबा ने कहा, तब नहीं अब बढ़िया रहा, अब तो ये और मने है। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी अरे ये इनका स्वभाव है, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। महाराज उसी क्षण क्या हुआ, अगस्त ऋषि की आंखों में आंसू भर आए, भाव के कारण मैं धन्य हो गया, आज महाराज भोले बाबा माता के साथ में हमारे आश्रम पर पधारे, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा ये आश्रम धन्य हो गया। इस भाव में अगस्त ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। भवानी बोली, महाराज अब ऐस करो, लौट चलो। कहा लौट चलो? भोले बाबा ने कहा, क्यों? कहा ये कथा नहीं सुनाएंगे। फिर कहा कथा नहीं सुनाएंगे तो क्या सुनाएंगे? बोले महाराज ये पहले रोवत है, कथा का सुनाइए। भोले बाबा ने कहा, ये इनके भाव के कारण आंसू बह रहे हैं। भवानी बोली, अब हमका ना समझाओ, बत्ता तो जनता है। जब ज्यादा भैया लोग समझावे लागते हैं तो माताएं बहने कहे लगती, हाँ तुम है सब जनता है, हमका कुछ जाने, तब उनका चुप्पे हो पड़ते हैं। इसीलिए भवानी ने कहा, अब हम जान गए, लौट चलो। भगवान शंकर बोले, तुम कुछ नहीं जानी हो देवी, अरे ये भाव के कारण इनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो कहा ऐसा भाव, ए बाबा नहीं है, हम समझ गए। भोले बाबा ने कहा, तुम क्या समझी? कहा इनके हाथ जोड़ने का मतलब ये है, इनका कहना है ये है कि हमको कथा वथा कुछ नहीं आती, आप यहाँ कहाँ फाड़ पड़े हुए? भोले बाबा ने कहा, नहीं देवी ऐसा कुछ नहीं है। बोले महाराज ऐसा, और ए भैया एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कथावाचक के प्रति आपका विचार बदल गया तो कितनी बढ़िया कथा सुनावे पर आपके समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कथावाचक के प्रति कभी भाव नहीं बिगड़ना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, कथावाचक को कथावाचक की दृष्टि से देखना चाहिए।
महाराज हमको कथावाचक से क्या मतलब है, हमको मतलब है कि उसकी निकली हुई वाणी से, परमात्मा की कथा से, केवल हमको कथा से मतलब है, ना कि कथावाचक से, समझ रहे हो ना। और भवानी ने कथा से मतलब नहीं रखा, भवानी ने कथावाचक से मतलब रखा, और इसीलिए क्या दशा हुई है कथा में आप खुद ही सुनेंगे, विचार करिएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हैं, अब तुम्हारी समझ में जो आवे सो ठीक है, लेकिन अब यहाँ तक हम आ ही गए हैं तो दो मिनट बैठ के कथा सुन लेते हैं, और नहीं समझ में आएगा तो कोई अपने घर का रास्ता थोड़ी भूल गए, फिर अपने वापस चलेंगे। भवानी ने कहा ठीक है, हमको जो समझना था वो तो मैं समझ गई, अब तुम अब ना ही समझो क्योंकि तुम भोले वाले हो ना, भोले हो इसलिए तुम जल्दी समझ नहीं पाते हो, समस्या तो यही है, और हम देखो कितने होशियार हैं, इतनी जल्दी समझ गए। भोले बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ही समझदार ठीक है, लेकिन हम दो मिनट बैठ करके इनसे बात करते हैं, इनके मुखारविंद से कथा सुनते हैं। अच्छा ये भैया क्या आप किसी के चेहरे को देख करके बता सकते हो कि बुद्धवान है कि मूर्ख है, बोलो भाई बता सकते हो, नहीं बता सकते हो ना, फिर कब आप पारी कर सकते हो, कब बता सकते हो, जब दो मिनट बैठ करके उससे बातें करोगे, उसकी बात सुनोगे, कुछ अपनी बात कहोगे, उसकी बात सुनोगे, तब आप विचार कर सकते हो, तब आप पहचान सकते हो कि बुद्धिमान है या मूर्ख है। और किसी के चेहरे पर महाराज नहीं लिखा होता है कि बुद्धिमान है या मूर्ख है, और मान लीजिए लिखा भी है तो हम रावण है भी नहीं, जबकि रावण को ज्ञान था, मस्तक की रेखा पढ़ लेता था, अब कौन इतना बड़ा विद्वान है महाराज जो मस्तक की रेखा पढ़ लेगा, बताओ है कोई विद्वान, एक तो ब्रह्मा जी को ज्ञान था और एक तो रावण को ज्ञान था महाराज, जब धनुष टूटा है तो रावण ने देखा था, धनुष पर लिखा था, जो धनुष पर लिखा था वही राम जी के माथे पर लिखा था, और लिखा किन शब्दों में था, ब्रह्माचरी शब्दों में लिखा था, और ब्रह्माचरी का ज्ञान केवल दो ही लोगों को था, एक तो रावण को था और दूसरे ब्रह्मा जी को था। रावण ने, रावण भी धनुष तोड़ने के लिए जनकपुर में गया था, बाणासुर भेज गया था, एक एक बड़े महाराजा गए थे वहां महाराज धनुष तोड़ने के लिए, एक से एक राजा, एक से एक बड़े धर्म धुरंधर गए थे, लेकिन रावण की जब बारी आई तो रावण धनुष के पास में तो गया लेकिन धनुष को नहीं छुआ, रावण बाण छुआ नहीं चाप, रावण और बाणासुर दोनों ने धनुष को नहीं छुआ, लेकिन रावण जब धनुष के पास में पहुंचा तो क्या देखा, कहते हैं कि भोलेनाथ जो है उसी धनुष में प्रकट हुए हैं और किसी को नहीं दिखे, केवल रावण को दिखे, और रावण से भगवान भोलेनाथ ने कहा ए रावण दूर रहना, तो मेरा भक्त जरूर है लेकिन अगर तू धनुष को छुएगा तो मैं अपना तीसरा नेत्र खोल करके तुझे इसी जगह पर जला के भस्म कर दूंगा। एक तो ये बात थी, और दूसरे रावण धनुष पर जो लिखे थे अंक उनको पढ़ लिया था, ब्रह्माक्षरी अक्षरों में लिखा हुआ था, और जैसे लिखा देखा तो चारों तरफ दृष्टि घुमाने लगा, और जब दृष्टि घुमाने लगा तो विश्वामित्र जी महाराज के पास में राम और लक्ष्मण जी बैठे थे, और राम के ऊपर जब रावण की दृष्टि पड़ी तो रावण ने राम के माथे पर जो लिखा था सो पढ़ लिया। अब मिलान करने लगा रावण, क्या मिलान करता है, बार धनुष की तरफ देखता है फिर राम जी की तरफ देखता है, जब देखा कि जो धनुष पर लिखा वही राम जी के माथे पर लिखा तो राम जी के पास पहुंच गया रावण, और राम जी से कहता है सुनो तुम्हारा क्या नाम है, भगवान राम खड़े होकर के बोले मेरा नाम राम है। रावण ने कहा धनुष तुम ही तोड़ोगे, राम जी ने कहा भैया हम काय धनुष तोड़ेंगे, अरे यहाँ पर एक से एक बड़े बलवान बैठे हैं, हम क्या धनुष तोड़ेंगे। रावण ने कहा नहीं मैं जानता हूँ कि धनुष तुम ही तोड़ोगे, तो राम जी ने कहा ये तुम कैसे जान गए कि धनुष हम तोड़ेंगे। रावण ने कहा मैं ऐसे जान गए कि जो धनुष पर लिखा सो तुम्हारे माथे पर लिखा है। तो भगवान राम ने कहा हमारे माथे पर क्या लिखा, रावण ने कहा जो धनुष पर लिखा है। राम जी ने कहा धनुष पर क्या लिखा है, रावण ने कहा जो तुम्हारे माथे पर लिखा है। भगवान राम बोले तो हमारे माथे पर क्या लिखा है, रावण बोला बार बार कह रहा हूँ जो धनुष पर लिखा है। भगवान राम बोले अरे भैया तो धनुष पर क्या लिखा है, रावण बोला अजीब हो जो तुम्हारे माथे पर लिखा है। अब भगवान राम विचार करते वाह भाई वाह ये तो अपनी विद्वता हमको दिखा रहा है। तो भगवान राम ने भी सोचा कि अब इसको जरा हम अपनी बातों में फंसाएं। तो भगवान राम ने कहा अच्छा एक बात बताओ धनुष और हमारे माथे दोनों पर क्या लिखा है। अब रावण राम जी की बात में फंस गया, और जब फंसा तो उसको बोलना पड़ा सुनो क्या कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, हे राम तुम्हारे हाथों से इस रावण का सर्वनाश लिखा।
मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, हे राम तुम्हारे हाथों से श्रावण का सर्वा लिखा। राम जी ने कहा जावा तो बोले यही बात, और यह के लिए तो हम धनुष तोड़तना नहीं का, तो हम तुरंत चट्टर तोड़ डाली। लेकिन डरान पर रहे भोले बाबा, पहले कह चुके अगर छू ले हो तो समझ लो मरे। रावण चलने लगा, और जैसे ही रावण चलने लगा तो वहां पर जो और लोग आए थे हमारा धनुष तोड़ने के लिए, वो सब ताली बजा बजा करके हंसने लगे, लिए आया था धनुष तोड़ने लो, ऐसे ही जा रहा मुंह बनाते हुए। रावण ने जब अपने कानों से ये शब्द सुने तो एकदम पलट करके खड़ा हुआ, और रावण जवाब देता है, सुनो अगर मैंने धनुष नहीं तोड़ा तो तुम क्या समझते हो कि हम कायर हैं? नहीं, हम कायर नहीं हैं। लोग बोले तुम तो आए थे सीता से विवाह करने, हो गया इसी विवाह सीता से? रावण बोला अगर ये बात है तो सुनो मेरी बात को। क्या एकदम रावण बोला है क्या कि धनुहा को तोड़ा अगर नहीं तो यह प्रण करके जाऊंगा, अगर मैंने धनुष नहीं तोड़ा तो मेरी मर्जी है, मेरा मन धनुष तोड़ूंगा, मेरा मन धनुष नहीं तोड़ूंगा। और तुम सीता की बात करते हो तो सुनो, सब लोग कान खोल करके सुन लो क्या कि धनुहा को तोड़ा अगर नहीं तो यह प्रण करके जाऊंगा, श्री जनक दुलारी सीता को एक दिन लंका पहुंचाऊंगा। और रही बात सीता की तो एक दिन मैं सीता को अपनी लंका जरूर पहुंचाऊंगा, ये मैं प्रण करके जा रहा हूं। और इतना कह के रावण चला गया, और महाराज फिर रावण ने अपना प्रण भी पूरा किया, माता सीता को पहुंचाया। भले ही माता सीता का प्रतिबिंब पहुंचा है लंका को, लेकिन माता सीता पहुंची तो प्रण तो पूरा किया। तो ये रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन महाराज यहाँ पर भगवती सती कह रही हैं कि हम इनको जान गए। बोले बाबा बोले तुम क्या जान गए? बोलिए कथा था कुछ नहीं सुनाएंगे। भगवान शंकर बोले देवी तुम कैसे जान गई? क्या इनके माथे पर लिखा? बोले माथे पर नहीं लिखा, लेकिन हम इनको पहचान गए। भगवान शंकर ने कहा 2 मिनट बैठ के कथा सुनते हैं, अच्छी लगेगी तो सुनेंगे, नहीं अच्छी लगेगी अपने घर चलेंगे, क्या दिक्कत है? महाराज किसी के चेहरे को देख करके बताया नहीं जा सकता है कि ये विद्वान है या मूर्ख। भोले बाबा ने कहा देवी 2 मिनट सुन लेते हैं कथा। भवानी बोली नाई मां तो जैसे तुम्हारे मन चाहे तैस करो। अब अगस्त ऋषि खड़े भगवान शंकर मन ही मन अगस्त ऋषि से संकेत करते, अभी हाथ जोड़ा बंद करो नहीं तो बड़ी आफत आगे तैयार हो जाएगी और हमको कथा सुनाओ। तो अगस्त ऋषि भगवान शंकर और माता सती जी को अपनी कुटिया के अंदर ले गए, आसन डाल दिया, आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ करके फिर सामने बैठे। भोले बाबा से बोले महाराज कहो कैसे आना हुआ? भगवान शंकर बोले महाराज हम आपसे कथा सुनने आए हैं। भोले बाबा जब इतनी बात बोले, अगस्त ऋषि ने कहा रच महेश निज मानस राखा। अरे जिन्होंने मानस की रचना स्वयं की है, जो हमसे बड़े बहुत अच्छे कथावाचक हैं, आज आप हमसे कथा सुनने आए और हम चाहते हैं महाराज कहूँ आज आप हमें कथा सुनाए दो। भोले बाबा ने कहा तुम खूब रच रहे हो, जितना हम इधर समझे जन बत रहे तुम रच देते। भोले बाबा ने कहा हम तुम्हें फिर कभी कथा सुनाएंगे, लेकिन आज तो तुमको सुनाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर समझ रहे हैं अगर हमारी कथा से इन पर कोई प्रभाव होता होता तो हम तुम्हारे पास काहे को लेके आते। हमने सोचा संत के पास लेके चलें, हो सकता है कि संत की कृपा हो जाए, इसलिए आज तो तुमको कथा सुनानी पड़ेगी। उसी समय महाराज कहा अगस्त ऋषि ने ठीक है हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन आप हमको ये बता दीजिए कि आप कैसी कथा सुनना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा महाराज हमारी एक ही इच्छा रही, एक ही इच्छा है और एक ही इच्छा रहेगी। क्या? राम कथा सुनने की। मुझे राम कथा सुनाओ। और जैसे कहा मुझे राम कथा सुनाओ, अगस्त ऋषि आज भाव में आकर के कथा सुनाने लगे। भोले बाबा जो है भाव में बैठ करके कथा को सुनने लगे, पर भवानी मुआठी अलग बैठे, उनको कथा से मतलब नहीं है, भाव बिगड़ा है पहले ही कथावाचक के प्रति, तो कथा कहाँ सुनेगी। बाबा जी लिख रहे मानस में क्या कि राम कथा मुनि ब्रज राम कथा मुनि ब्रज बखान।
आज भगवान राम की पावन कथा कहना प्रारंभ कर दिए और जैसे राम कथा कहना प्रारंभ किए तो सुनी महेश बाबा जी लिख रहे हैं सुनी महेश परम सुख माने। ए भैया यहाँ पर सुख शब्द जो आया है मानस में यहाँ पर भगवान शंकर के लिए सुख शब्द लिखा गया लेकिन ध्यान दीजिएगा संकेत सबको मिल रहा है कि भगवान शंकर के लिए सुख शब्द क्यों लिखा सती जी के लिए सुख शब्द क्यों नहीं लिखा सुनी महेश महेश मतलब भगवान शंकर और यहाँ पर यौन क्यों नहीं लिखा तुलसीदास बाबा जी ने सुनी सती परम सुख मानी क्यों नहीं लिखा क्योंकि महाराज जो सुने है ना वह तो हुई है फर्जी वालों का नाम हो जाएगा फर्जी वालों का तो नाम नहीं होगा ना तो सुनी महेश किसने सुनी महेश भगवान शंकर ने सुनी सुनी महेश परम सुख मानी जो राम की कथा को सुनेगा महाराज सुख तो उसे ही मिलेगा सुख किसे मिलेगा तो राम की कथा सुनेगा और सुनिए कहते हैं कि भगवान की कथा सुनते सुनते अगर सुख ना मिले तो कथा सुनना बेकार है इतना तक कहा गया है राम की कथा राम की कथा चाहे कृष्ण की कथा हो महाराज कथा कहते कथा सुनते सुनते अगर सुख ना मिले तो कथा सुनना बेकार है और कथा कहते कहते अगर सुख ना मिले तो कथा कहना बेकार ऐसी है परमात्मा की कथा अरे कथा सुनो लोग कहते हैं कि महाराज कथा खूब सुने लेकिन जीवन की व्यथा नहीं दूर भाई ए भैया ऐसा हो ही नहीं सकता है अगर आप कथा सुनोगे तो आपके जीवन की व्यथा जरूर दूर होगी और अगर आप कथा नहीं सुनोगे तो जीवन की व्यथा दूर होने वाली नहीं है और सुनोगे तो जरूर दूर हो जाएगी व्यथा और जीवन में सुख भी आएगा हम थोड़ी कह रहे हैं आपकी मानस कह रही भगवान शंकर को सुख मिला पर भवानी को सुख नहीं मिला और भवानी को सुख नहीं मिला लेकिन आगे फिर लिखा क्या भगवान शंकर ने देखा थोड़ी आंख खोली भगवान शंकर ने हालांकि बंद की आंखें सुन रहे थे भाव से लेकिन सोचे लगे कि हम तो सुन रहे हैं ना उनको देख ले हैं कि कोई लंग गई और जैसे भगवान शंकर ने आंखें खोली तो भवानी उधर मुंह किए बैठी कथा नहीं सुन रही महाराज भगवान शंकर ने सोचा चलो आज पहला दिन है नहीं सुनी कोई बात नहीं ऐसा करते हैं जब अगला दिन आएगा हो सकता है उस दिन कथा सुन ले यही सोच करके भगवान शंकर रुक गए अगस्त ऋषि के आश्रम पर जबकि भोले बाबा को पता है कि संत के आश्रम पर महाराज संत के पास में हमको ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए और ये भोले बाबा की ही बात नहीं है ये हम आप सबकी बात है संत के पास हमको ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए क्यों क्योंकि संत की दिनचर्या और हमारी दिनचर्या में बहुत बड़ा अंतर है संत कितने समय भजन करता कितने समय भोजन करता कितने समय जाप करता कितने समय योग करता ये हम आपको नहीं पता है और पता लगे कि हम संत के पास गए और जाकर के बढ़िया डट करके बैठे और जिस समय हम संत के पास बैठे वो समय संत के भजन करने का है और आप अगर संत के पास में बैठे हो तो क्या वो भजन कर पाएगा भैया नहीं कर पाएगा ना तो भजन वो नहीं कर पाएगा और भजन ना करने का पाप संत को नहीं बल्कि भजन ना करने का पाप आपको लगेगा क्यों क्योंकि आपकी वजह से वो भजन नहीं कर पा रहा इसलिए उसका पाप आपको लगेगा इसलिए संत के पास ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए संतों ने कहा है कि संत के पास में मात्र उतनी देर ठहरना चाहिए जब तक संत का आशीर्वाद न मिल जाए अच्छा हम संत के पास और लेने क्या जाते हैं भाई क्या लेने जाते हैं आशीर्वाद ही तो लेने जाते हैं कि भाई संत का आशीर्वाद मिल जाए और संत का आशीर्वाद मिल जाए तुरंत वहां से निकल लो फिर वहां पर रुकना नहीं चाहिए ये बात भगवान भोलेनाथ भली भांति जानते हैं लेकिन भोले बाबा सती जी के चक्कर में हैं कि किसी तरीके से ये कथा सुन ले आज हम ये भी नियम तोड़ रहे हैं
इसलिए भगवान शंकर कुछ दिनों तक अगस्त ऋषि के आश्रम पर रुके हैं। बाबा जी ने लिखा क्या कि कहती सुनाती रघु पति गुण गाथा, कहती सुनाती रघु पति गुण गाथा, कछु दिन रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कथा को सुनते सुनते महाराज भोले बाबा सती जी को लेकर के कुछ दिनों तक अगस्त ऋषि के आश्रम पर रुके, लेकिन जब देखा कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कथा नहीं सुन रही है, दिन के दिन और माहौल बिगड़ ही रहा है, तो भगवान शंकर ने सोचा अब यहां रुकना ठीक नहीं है, अब यहां रुकना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि जिनको हम कथा सुनाने लाए हैं वो कथा सुन नहीं रहे, और हम कथा सुन रहे हैं तो हमारे कथा सुनने से इनका कल्याण थोड़ी होगा, बोलो होगा नहीं होगा। और महाराज एक बात बताएं, रोग दो प्रकार का होता है, आज सती जी को भी एक रोग लगा है। रोग दो प्रकार का है महाराज, एक है तन का रोग और एक है मन का रोग। तन रोग की तो दवा है लेकिन मन रोग की दवा नहीं है, और मन रोग की दवा जहां पर है प्राणी वहां जाना नहीं चाहता। मन रोग की दवा है कथा भागवत में चले जाओ मन का रोग दूर हो जाएगा, संत के शरण में चले जाओ मन का रोग दूर हो जाएगा, लेकिन महाराज वहां प्राणी जाना नहीं चाहता। और अगर गया भी तो ना संत की सुनेगा ना महाराज कथा भागवत सुनेगा। अच्छा कथा भागवत नहीं सुनेगा, संत की नहीं सुनेगा, तो क्या मन का रोग दूर होगा भैया? नहीं दूर होने वाला। और सती जी जो हैं इनको भी मन का रोग लगा है, तन रोगी नहीं है सती जी, मन रोगी हैं। इसलिए जब कथा सुनी नहीं तो मन का रोग दूर हुआ नहीं। अब भवानी देखा भगवान शंकर ने कि क्या मतलब है यहाँ पर रुकने से, कथा तो हम ही सुन रहे हैं। जिनको बुखार है वो दवाई खा नहीं रहा, और जो बढ़िया स्वस्थ है वो दवाई खा रहा, तो क्या बुखार वाले का बुखार चला जाएगा भैया? तुम्हारा खेत हो बगल में पड़ोसी का खेत हो, अपने खेत हम खाद दो, पड़ोसी खेत हम खाद डालो, तुम्हारे खेत हम फसल हरियाई है? बताओ नहीं हरियाएगी ना, जब तक अपने खेत हम खाद पास ना डले हो महाराज फसल हुई है ना।
और यहाँ पर सती जी जो हैं ये बीमार हैं और भोले बाबा दवा खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो कहाँ सती जी को फायदा होगा? और सती जी दवाई खाती ना, कहाँ फायदा हुई है बताओ? हो जाएगा फायदा? नहीं होगा। भोले बाबा ने सोचा ऐस करो चला जाए, अब यहाँ रुके कोई फायदा नहीं है। भोले बाबा अगस्त ऋषि से कहते हैं, महाराज अब हमका विदाई दे दो। अगस्त ऋषि ने कहा, महाराज कुछ दिन और रुक जाते। भोले बाबा ने कहा, हम तो रुक जाते लेकिन हम करें क्या? हम जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारा वो कार्य नहीं हो रहा है। हम इनको कथा सुनाने लाए हैं और ये कथा सुन नहीं रहे, और हम कथा सुन रहे हैं, कल्याण हमारा हो रहा कल्याण इनका नहीं हो रहा, तो क्या मतलब है? हमारे अंदर तो वैसे भी भक्ति भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, और श्रद्धा विश्वास नहीं है तो इनके अंदर नहीं हो, इनके अंदर आ नहीं रहा, तो मतलब क्या है यहाँ रुकने से? इसलिए हमका महाराज विदाई दो, हम भर पाए नहीं। अगस्त ऋषि बोले, महाराज जैसी तुम्हारी इच्छा। भोले बाबा ने कहा, तुमने हमको कथा सुनाई है, इसलिए खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है, कुछ दक्षिणा देना पड़ता है महाराज, तो मांगो तुमको क्या दक्षिणा के रूप में चाहिए। अगस्त ऋषि हाथ जोड़ करके बोले, महाराज हम मांगे कि कुछ नहीं, जो आप दोगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे, पर मांगेंगे नहीं। वैसे आप ना ही दो तो ठीक है, भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुमसे कथा सुनी है और अगर हम तुमको दक्षिणा नहीं दे रहे हैं तो कथा का फल हमको नहीं मिलेगा, ये लौट करके तुम्हें को प्राप्त हो जाएगा, तो हम तो खाली हाथ आए, खाली हाथ घूम चले जाएंगे, क्या मतलब रह जाएगा? तो बोले, महाराज फिर हम मांगेंगे कुछ नहीं, जो आपकी इच्छा हो तो आप दे दो। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? अगस्त ऋषि ने भगवान राम की कथा सुनाई है भगवान शंकर को, और भगवान शंकर ने राम की भक्ति अगस्त ऋषि को सुनाई, बात बराबर हो गई। और जब बात बराबर हुई तो अब भगवान शंकर चले, जैसे ही भोले बाबा चले सती जी को लेकर के, भवानी बोली सुनी भाई कथा? भोले बाबा ने कहा, पूछो ना देवी कुछ, हम तो सुने भाई लेकिन हम जिस कारण आए थे वो काम नहीं पूरा हुआ। भवानी बोली, तो और दिन चार दिन रुक जाते, काम पूरा हो जाए तब चलते, लेकिन अब भोले बाबा का कहे, तुम्हारे चक्कर में तो यहाँ पड़े रहे चार पांच दिन, हम तो कब का चले गए होते। लेकिन नहीं, भगवान शंकर ने कहा, चलो ठीक है देवी अब तो चला जाए। जिस समय चले भगवान शंकर, तो जरा विचार करें, जैसे ही भोले बाबा सती जी को लेकर के चले, अब भगवान शंकर अपने मन में विचार करते हैं कि हे प्रभु इनका कल्याण कैसे होगा, लोग अपनी परेशानी से परेशान ना, अपने परिवार से परेशान। भोले बाबा सोच रहे इनका कल्याण कैसे होगा, और जब चले तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने देखा कि भगवान शंकर का चेहरा सूखा है, तुलसी बाबा समझ गए भवानी कथा नहीं सुनी। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने उठाई कलम, विचार किया कि मैंने इनको गलत लिख दिया कि सारे जगत की माँ है ना, ये सारे जगत की माँ हो ही नहीं सकती है, इन्होंने संत का अपमान कर दिया, कथा नहीं सुनी, भोले बाबा का भी अपमान किया, और ऐसे अपमान करने वाली नारी सारे जगत की माँ नहीं हो सकती। इसलिए तुरंत उठाई कलम और महाराज लिख दिया, क्या लिखा जरा ध्यान दे, कि मुनि सन विदा मांगी चले भवन संग गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने देखा
ये सारे जगत की माँ नहीं हो सकती हैं। क्यों? इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया, परमात्मा की कथा को भी नहीं सुना, तो ये सारे जो संत का अपमान करे वो सारे जगत की माँ नहीं हो सकती। उठाई कलम गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने और लिख दिया, मुनि सन बिदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमार। पहले क्या थी भैया, जब भगवान शंकर के साथ में कथा सुनने के भगवान शंकर जब चले, जब साथ में सती जी चली, तब क्या लिखा गोस्वामी तुलसी बाबा ने, संग सती जगत जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। तब लिखा गोस्वामी बाबा जी ने कि सारे जगत की माँ है, जग जननी, जग माने संसार, जननी माने माँ, ये सारे जगत की माँ है। क्यों? क्योंकि कथा सुनने जा रहे हैं। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो तुलसी बाबा ने विचार किया, ये सारे जगत की माँ नहीं हो सकती। फिर क्या लिखा, महाराज तुलसी बाबा भी नाराज हुए, संत का अपमान किया, कथा नहीं सुनी, तो तुम जाऊ रहो तो उन्हें बनाओ ये लायक आई हो। इसलिए उठाई कलम लिखा, क्या लिखा, मुनि सन बिदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमार। अब क्या रह गई भैया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुमारी माने बिटिया, दक्ष यानी दक्ष जो थे सती जी के पिता थे, ध्यान दीजिएगा, महाराज दक्ष सती जी के पिता थे। पहले यही सती सारे जगत की माँ तुलसी बाबा ने लिखा जब कथा सुनने जा रही थी, लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो केवल और केवल एक बाप की बिटिया बन के रह गई। बोलो रह गई कि नहीं रह गई, मात्र एक बाप की बेटी बन के रह गई, साधारण बाप की बेटी बन के रह गई। जो पद सती जी को मिला था वो सती जी से पद चला। कथा से यही महाराज सीखने को मिलता है, जब हम कथा सुनने के लिए आते हैं तो हमें कोई ना कोई पद मिल जाता है और वही पद हमसे छीन लिया जाता है। कब? जब हम पंडाल में बैठ करके कथा नहीं सुनते हैं, हम कहते हैं महाराज जो पद आ जाए पास में तो फिर वो जाना नहीं चाहिए। बोलो जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। आए हो कथा सुनने तो भाव से कथा सुनो, क्योंकि भैया कहा गया है क्या कि बिना पैसन के, अरे बिना रुपयन के सौदा बिकाए बजरिया।
हरि लाल बोले शंकर भगवान। क्या था तुलसी बाबा ने विचार किया कि इन्होंने कथा को श्रवण नहीं किया तो ये सारे जगत की माँ नहीं हो सकते हैं। मात्र एक बाप की बिटिया बनकर के रह गई भगवती सती। भोले बाबा चल रहे भवानी के साथ में, अब भगवती पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ आगे आगे, पर भगवान नहीं मन सोचते जा रहे हैं कि हे प्रभु इन्होंने ना तो मेरे द्वारा कथा सुनी ना तो संत के द्वारा कथा सुनी, और मैंने जो संत को राम की भक्ति सुनाई सती जी ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, अगर उसको ही सुन लेती तो कुछ कल्याण हो जाता, पर अब क्या करें। तो उसी क्षण भगवान भोलेनाथ ने याद किया परमात्मा भगवान राम को, कहा प्रभु एक तो आपकी कथा सुन के आ रहे हैं और दूसरे कहीं आपका दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। और जैसे ये लालसा मन में आई तो उसी क्षण हुआ क्या, भगवान राम ने भगवान भोलेनाथ को दर्शन दिया। और जिस समय भोले बाबा को दर्शन दिया तो ताहि समय हरण मय जा रहे हैं। और तब तक क्या हुआ, भगवान राम का ध्यान किया है प्रभु आपकी एक तो कथा सुन के आ रहे, दूसरे कहीं आपका दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। ए भैया एक तो यहाँ कथा सुनने आए हो और कथा सुन के जब लौट रहे हो और कहीं मार्ग में परमात्मा का दर्शन हो जाए तो बोलो जीवन धन्य हो जाएगा कि नहीं। तो भगवान शंकर यही कह रहे हैं और वैसे ही भगवान शंकर की विनती जो थी भगवान राम ने स्वीकार कर ली, और जैसे राम जी ने स्वीकार की तो भगवान राम ने दर्शन दिया। लेकिन स्थिति क्या थी उस समय की, जिस समय दर्शन दिया भगवान राम पृथ्वी का भार दूर करने के लिए
धरा धाम पर अवतरित हो चुके, यहाँ तक भगवान राम चारों भाइयों का विवाह भी हो चुका है। और विवाह होने के बाद में भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्ष के लिए वन को भी आ गए और इस वन में भगवती सीता का हरण भी हो चुका है। और महाराज भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भैया माता सीता को ढूंढ रहे हैं, उस समय का दृश्य है। और इसी समय पर भगवान राम ने दर्शन दिया और जैसे दर्शन दिया तो हृदय विचारत जात हरि के ही विधि दर्शन हो, ओ गुप्त रूप अवतरो प्रभु जान गए सबको। हृदय विचारत जात हरि के ही विधि दर्शन जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सब। आज भगवान राम जो हैं, जैसे दर्शन दिया भगवान भोलेनाथ को, भगवान भोलेनाथ ने देखा तो पहले तो मन आया कि मेरे इष्ट देव हैं, दौड़ करके जाऊं और इनके चरण छू लूं, लेकिन फिर विचार किया कि इनकी दशा बड़ी खराब है, इनकी दशा तो हम पे खराब है। काहे उस समय भगवान राम माता सीता जी को ढूंढ रहे हैं और माता सीता जी को ढूंढ रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, वृक्षों से पूछते हैं महाराज, पशु पक्षियों से पूछते हैं क्या कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, पूछ रहे महाराज हे खग मृग मधुकर श्रेणी Oh,
सुनी राम उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। जिस समय भगवान भोलेनाथ ने देखा तो विचार किया इनकी हालत तो हमसे खराब है, इसलिए इनके पास जाना ठीक नहीं है, हम इनको दूर ही से प्रणाम कर लेंगे। कि अगर हम इनके पास में गए तो शंका हमारे साथ ही में है, और महाराज वहां चले गए तो वहां तो ठीक, लेकिन इन झंझट में पड़े दूर ही से प्रणाम कर लो। लेकिन महाराज भगवान भोलेनाथ समझ रहे हमारे इष्ट देव हैं, मैं इनको प्रणाम करूंगा, पर सोचा मन ही मन प्रणाम कर ले, हमारे मुख से आवाज न निकले कि ये सुन ले, पास ही में खड़ी है, डर बहुत बड़ी चीज। महाराज भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि ये न कहीं सुन ले, इसलिए भरी लोचन छवि सिंधु को समय जाने समय बढ़िया नहीं है, वो समय है। एक होता जब समय बढ़िया होता है, समय बढ़िया क्या था गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है, जब विश्वामित्र जी महाराज जो हैं, समय जाने सुबह विश्वामित्र जी महाराज ने देखा कि समय बढ़िया है, तो राम जी से कहा जाओ राम फोड़ फोड़ के लाओ, समय जाने गुरु आए समय बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर समय बढ़िया नहीं है, यहाँ पर समय नहीं कुसमय है। भरी लोचन छवि सिंधु गए क्यों नहीं, कुसमय जाने न लेकिन बहुत संभाला अपने आप को भगवान शंकर ने कि हमारे मुख से आवाज ना निकले। परिष्ट देव है भगवान राम भोले बाबा के, बहुत संभाला अपने आप को, लेकिन महाराज मुख से आवाज निकल गई, क्या कहा, जय सच्चिदानंद महाराज, जय सच्चिदानंद जगपाव, क्या कहा, असा कही चले सच्चिदानंद प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और इतना कह के भोले बाबा आगे बढ़े, अजब आगे बढ़े, चले जाते शिव सती समेत पुनि पुनि पुलक तक पानी के का, प्रसन्न है भगवान भोलेनाथ। और इतने पर हुआ क्या, सती सुदशा शंभु भवानी ने भोले बाबा की दशा को देखा, भवानी कहती के बाबा का भो, भोले बाबा बोले कुछ नहीं देवी हम तो ठीक ठाक हैं, भवानी बोली मामला गड़बड़ है, हमसे कुछ छिपा रहे हो, भोले बाबा ने कहा हमारी काम अजाल की हम तुमसे कुछ छिपा पावे, कहा नहीं नहीं अभी बताओ तो ठीक, भोले बाबा कहने लगे ना देवी कुछ नहीं छिपा रहे, भवानी ने कहा तो फिर हमारे मन में, भोले बाबा ने कहा क्या तुम्हारे मन में, भवानी ने कहा सुनो सती हृदय में महाराज हमारे शंका हो गई, भोले बाबा ने कहा आफत आई गई, कहा क्या शंका हुई, भवानी ने कहा आपने अभी किसी को प्रणाम किया है, भोले बाबा ने कहा मन ही मन प्रणाम किया, इनके कान बहुत बड़े और अब कथा नहीं सुनती रहे और यहाँ बात सुन गई, भवानी ने जब ऐसी बात कही भोले बाबा ने कहा नहीं तो, भवानी कहा बाबा सबसे चोरी कर सकते हो लेकिन हमसे नहीं, कहा कैसे,
कहा आपने भी किसी को सच्चिदानंद कहा है? और हम तो ये जानते हैं कि सबसे बड़े देवता तो आप ही हो। शंकर जगत बंधु जगत जय हो। भवानी ने कहा मैंने सुना है। क्या सुना है? शंकर जगत बंधु जगदीश। इतना नहीं, सुर नर मुनि सब नावत शीशा का झूठ होगा। मैंने सुना है कि सबसे बड़े देवता तो आप ही हो। सारे जगत के देवता सबसे बड़े आप ही हो। सारा जगत आपके चरणों की वंदना करता है। सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि साधु संत महात्मा सभी तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। लेकिन आज हम कुछ और देख रहे हैं महाराज। भोले बाबा ने कहा तुम कहा देख रही हो भवानी? तो कहा हम ये देख रही हूँ कि जिनके चरणों में सारा जगत वंदना करता है उन हमारे स्वामी ने गजब कर दिया। भोले बाबा ने कहा क्या किया? कौन है जिनका प्रणाम किए हो महाराज? कौन है? बोले बाबा बोले चोरी पकड़ी गई महाराज। भवानी बोली सोन पसुता ही की न पर नाम कही सच्चिदानंद। बोले क्या समझ में नहीं आ रहा है? बोले महाराज समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिनके चरणों की वंदना सारा जगत करता है और सारे जगत में सुर नर मुनि जिनके चरणों की वंदना करते हैं सब सारा जगत तुम्हारे चरणों की वंदना करता है। हम तो समझ रहे हैं कि सबसे बड़े देवता आप ही हो। लेकिन जो बताओ आप कहीं का प्रणाम करे? बोले बाबा ने कहा देवी हमने तो किसी को प्रणाम नहीं किया। ये तुम क्या बोल रही हो? भवानी बोली चलो ना हमसे ज्यादा फिर जान तो हम तुमका बहुत कह दे। बोले बाबा ने कहा देवी हमने किसी को प्रणाम नहीं किया। कहा नहीं किया? बोले बाबा ने कहा नहीं किया प्रणाम। तो कहा फिर किका कह रहा हो? हे सच्चिदानंद प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तुम का जानत हम बहिरी हैं, हमका बहुत सुना। भोले बाबा ने कहा देवी तुम जानना चाहती हो? बोले हाँ। बोले महाराज सो नृप सुत ही कीन परनामा। नृप माने राजा, सुत ही माने पुत्र। तुमने राजा के पुत्रों को प्रणाम किया वो भी सच्चिदानंद कह करके। अगर साधारण प्रणाम करते तो चलता था क्योंकि सिया राम मैं सब जग जाऊं। सिया राम मैं सब जग जानी। हे सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम गोरी जुगपानी। कोई बात नहीं भाई, सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर किसी के अंदर सीता राम का दर्शन करना चाहिए। हर एक दूसरे को किसी को भी कोई प्रणाम कर सकता है। हर किसी के अंदर सीता राम का निवास है तो उन सीता राम जी को प्रणाम करते हैं। अगर आपने ये साधारण प्रणाम किया होता तो हमको शंका नहीं होती। पर शंका तो हुई तब जब तुमने कहा हे सच्चिदानंद प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सच्चिदानंद का मतलब जानत हो?
भगवान शंकर ने कहा तो कब तुमसे सिखत परी। भवानी ने कहा जब मालूम नहीं है तो फिर कह कह देते हो। भगवान शंकर ने कहा तो ठीक, मतलब हमका नहीं मालूम है इनका मालूम है। बोले बाबा ने कहा देवी ऐसा नहीं है। भवानी बोली ऐसे ही है। ये सच्चिदानंद का मतलब समझते हो, जो सत्य है जिसके चित्त में आनंद है वही सच्चिदानंद। और ये सत्य तो है नहीं, चित्त में भी इनके आनंद नहीं है तो ये सच्चिदानंद कैसे हो गए। भगवान शंकर ने कहा देवी ये पार ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म है। भवानी ने कहा ये ब्रह्म है? बोले हाँ ये सत्य है ब्रह्म है। भगवती ने कहा महाराज ब्रह्म है? हाँ। अच्छा तो ये रो क्यों रहे हैं? तो उसी समय भगवान शंकर ने कहा ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनकी पत्नी का हरण हो गया है, इनकी पत्नी का हरण हो गया है और ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे इसलिए रो रहे हैं। भवानी ने कहा झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, शर्म नहीं आती? अब है कथा सुन के आए हो, चलो हम नहीं सुने कोई बात नहीं, हम झूठ बोली तो बोली और तुम कथा सुन के आए हो तब झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, क्या मतलब रह गया तुम्हारे कथा सुनने का? बोले बाबा ने कहा हम झूठ नहीं बोल रहे देवी, हम सत्य कह रहे हैं। भवानी ने कहा महाराज सत्य तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है कि आप सत्य कह रहे हो, आपने इनको सच्चिदानंद कहा, सत्य नहीं है। भवानी ने जब इतनी बात कही भोले बाबा ने कहा देवी जो ये दिखाई दे रहे हैं वो ये है नहीं और जो ये है वो ये दिखाई नहीं दे रहे, और यही तुम समझ जाओ तो हमसे पूछोगी नहीं कि ये कौन है। भवानी बोली हम का ना बकाओ, हम बहुत जाने थे। भोले बाबा ने कहा देवी ये सच है, ये हमारे इष्ट देव भगवान राम है। भवानी बोली ये राम है? बोले हाँ। तो ये रो क्यों रहे? बोले इनकी पत्नी का हरण हो गया, ये ब्रह्म है। तो भवानी बोली अच्छा महाराज एक बात बताओ, अगर ये ब्रह्म है तो ब्रह्म को तो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी होती है, होती भैया नहीं होती? ब्रह्म को पूरे ब्रह्मांड की जानकारी होती है, और अगर इनकी पत्नी का हरण हो गया है तो इनको मालूम होना चाहिए कि इनकी पत्नी का हरण किसने किया है, और अगर ये ब्रह्म है तो इनको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात तुम इनको ब्रह्म कह रहे हो, हम इनको अच्छे राजकुमार भी नहीं समझ रही हूँ। तो भोले बाबा कहते हैं अच्छा देवी तो ये बताओ तुम का समझती हो? भवानी बोली हम तो इनका पागल समझे थे। भगवान शंकर ने कहा पागल? बोले और नहीं तो क्या? कहा कैसे? कहा महाराज एक तो आपने इनको ब्रह्म बताया, ब्रह्म तो है नहीं, इनको आपने सच्चिदानंद कहा, ना तो ये सत्य है, सत्य मतलब आप कह रहे हो ब्रह्म है तो ब्रह्म नहीं है, झूठ है। दूसरी बात आया शब्द आया आनंद, आनंद इनके हृदय में है नहीं क्योंकि ये रो रहे हैं। महाराज अब रही बात महाराज ब्रह्म की, तो हम तो इनको पागल समझ रहे हैं क्योंकि ये वृक्षों से पूछ रहे हैं अपनी पत्नी का पता। एक छोटे से बालक से पूछ लिया जाए कि आप वृक्ष बोल सकते तो वो भी बता देगा कि वृक्ष बोल नहीं सकते। पशु पक्षियों से पत्नी का पता पूछ रहे हैं, पशु पक्षी क्या बोलते हैं? भगवान भोलेनाथ बोले हाँ बोलते हैं। तो कहा बोलते हैं लेकिन उनकी भाषा ये समझ पाएंगे? और ये पत्नी का पता पूछ रहे हैं तो क्या ये बता देंगे पत्नी का पता? बोले नहीं बताएंगे। तो कहा फिर ये ब्रह्म कहाँ से है? हमको तो ये बिल्कुल पागल लग रहा है, अच्छे राजकुमार भी नहीं है। भगवान शंकर ने विचार किया हमारे इष्ट देव का इतना बड़ा अपमान, और कहते हैं अपने इष्ट का कभी अपमान श्रवण करना नहीं चाहिए। एक तो अपना गुरु और एक अपना इष्ट भगवान, इन दोनों का अपमान नहीं सुनना चाहिए। अगर महाराज कहीं पर इनका अपमान होने लग जाए, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो इसका विरोध करो, और अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाओ। पर भगवान भोलेनाथ ने कहा विचार किया कि हमारे इष्ट का अपमान कर रही है सती। भगवान शंकर ने कहा देवी ऐसा नहीं है, ये हमारे इष्ट देव भगवान राम है। भवानी बोली अच्छा ठीक है राम है मान लेती हूँ, तो ये बताओ ये कौन से राम है? भगवान शंकर अब फिर बात में फंस गए, कौन से राम मतलब का रामो द्विचारी भाई? राम तो एक ही हुए हैं। भवानी ने कहा नहीं नहीं तो फिर आप नहीं जानते हो। भगवान शंकर ने कहा मतलब? भवानी ने कहा मतलब ये है कि राम चार हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा हम तो अभी तक एक ही राम को जाने, तीन राम कब पैदा हुए?
तो कहा भगवान शंकर ने कि बताओ ये चार राम कौन से हैं। भवानी बोल पड़ी सुनो। एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम घट घट में बोले, और एक राम दशरथ घर डोले। ये कौन से राम है? बोले बाबा हंसने लगे, देवी ये वही राम है जिन्होंने सारे जगत को पसारा है, ये वही राम है जो सारे जग से न्यारे हैं, ये वही राम है जो घट घट में बोले हैं, और ये वही राम है जो महाराज दशरथ के आंगन में डोले। ये राम वही है, इनकी लीलाएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा केवल एक है। भवानी अभी मान जाओ, अभी समझ जाओ। भगवती बोली कहां से समझ जाए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं क्या, एक बड़ा सुंदर निर्गुण भाव दे दिया गया क्या, कि गुण से खेले कबीर बाबा बोले हैं परमात्मा को पहचान लो, और नहीं तो जब यहाँ से वहां जाओगी तो फिर पता चलेगा हमारा। वही बात भगवान भोलेनाथ बोले भवानी से क्या, भाई पहचान लो इनको, अभी समय है तुम्हारे पास कि गुण सीख लो ननैया, नहीं मारी जाओ गुण सीख सबारो वाला लगे, हरे सबारो वाला लगे, हरे सबारो वाला लगे, हरे सबारो वाला लगे, हरे
भगवान भोलेनाथ समझाते हैं भवानी को, पर भवानी की समझ में नहीं आ रहा है। भगवती से भगवान शंकर बोले, देवी आज तुम हमारी बात पर विश्वास नहीं करती हो, और कहीं अगर तुम हमारी मुखारविंद से कथा सुन लेती तो आज तुमको पूछना नहीं पड़ता कि ये कौन है। भवानी ने कहा, क्यों? भगवान शंकर ने कहा, वो इसलिए, क्यों? क्योंकि जासू का था कुंभजर सिंगार। जासू का था कुंभजर सिंगार, भगत जासू मैं बोले सुनाए। जासू कथा सुनी होती या अगस्त ऋषि के मुख से कथा सुनी होती तो आज तुमको पूछना नहीं पड़ता कि ये कौन है। पर तुमने कथा नहीं सुनी इसलिए तुमको पूछना पड़ रहा है। भवानी ये ब्रह्म है, हमारी बात मान लो। भगवती सती जी कहती है, महाराज मैं कैसे मान लूं, क्या मैं ब्रह्म को जानती नहीं हूँ? अरे वो ब्रह्म, और इस स्थिति में ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होई नर जाहि न जानत। वो पार ब्रह्म परमात्मा जो अजन्मा है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो अजाया है महाराज, जिसके भेद नहीं किए जा सकते, वो पार ब्रह्म परमात्मा भला इस धराधाम पर कैसे आ सकता है? जिसका जो महाराज वो पार ब्रह्म परमात्मा इस धराधाम पर कैसे आ सकता? और आप कहते हो ये पार ब्रह्म परमात्मा है, पर महाराज मैं नहीं मानती। भगवान शंकर समझ गए, क्या? लागन उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बाहुबर, बोले बिहसी महेश हरि माया बलो जानी जी। बोले बाबा समझ गए, भवानी के ऊपर परमात्मा की माया ने असर कर दिया है, और जिसके ऊपर भगवान की माया असर कर देगी उसे ब्रह्म नजर नहीं आएगा, उसे ब्रह्म नजर नहीं आ सकता। भगवान भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि भवानी के ऊपर ब्रह्म की माया ने असर कर दिया, इसलिए इनको ब्रह्म नजर नहीं आ रहे। मैं कितना समझा रहा हूं लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी रमते हैं रोम रोम रमते हैं रोम रोम में श्री राम यही है, रमते हैं रोम रोम में श्री
अंश मात्र है त्रिलोक धूप मात्र। परीक्षित से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत समझाते हैं माता सती जी को, लेकिन सती जी की समझ में नहीं आ रहा है। भोले बाबा ने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन भवानी सती ना मानी। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी अब हम कैसे बताएं तुमको कि ये कौन है? हम तो बता चुके पर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, तो अब ऐसा करो तुम स्वयं चली जाओ और जा करके इनकी परीक्षा ले लो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कौन है, पार ब्रह्म परमात्मा है या साधारण राजकुमार है। जैसे इतनी बात कही भवानी बोली, हाँ ये बात तो ठीक है। पर महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि सुनो परीक्षित, अब आज परीक्षा लेने सती जी नहीं जाएंगे, क्योंकि महाराज अब तो कथा का समय धीरे धीरे अपने समय को परिध को पार कर रहा है, इसलिए कल भवानी परीक्षा लेने के लिए जाएंगी। और किस प्रकार से भगवती भगवान की परीक्षा लेंगी, आप लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। और आप सबके बीच में ये जो लाइव कार्यक्रम चल रहा है हमारे ही YouTube चैनल पर, हमारा जो चैनल है आचार्य मनोरमा सिंह यादव शास्त्री जी, उसी चैनल पर हमारे ये YouTube चैनल पर लाइव कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। उसका लाइव कार्यक्रम को दिखाने वाले हमारे सम्माननीय भैया ललित कुमार यादव जी बैठे हुए हैं आप सबके बीच में। इन्हीं के माध्यम से आप सभी लोग ये कथा का आनंद ले रहे हैं। और जो हमारे परमात्मा के पावन भक्तगण लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, दादा भैया माताएं बहने अपने घर बैठे हुए, उन सभी भक्तों को भी जय श्री राधे। परमात्मा से निवेदन है कि सभी को भगवान जीवन मंगलमय करें, सबके ऊपर परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें, और इसी प्रकार से आप सभी लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे, यही आप सबसे हमारी कामना है। आओ धीरे धीरे समय भी अपने परिध को पार कर रहा है, दो बार वाणी को विराम आरती और प्रसाद। बोले शंकर भगवान की जय।